हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। 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 जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सर। राधे राधे जी। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा बच्चे। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखा, हमारी क्लास में कृष्ण जी पढ़ने आते हैं, कितने मजे की बात है। सोचिए, उनसे भी नहीं रुकवाया जाता हमारी क्लास, वो भी नहीं छोड़ते हमारी क्लास। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, आप सभी का वेलकम। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्स्ट्रो गैलेक्सी के प्लेटफॉर्म पर टू द वेरी फर्स्ट टाइम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज नक्षत्रा। ओके, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको नक्षत्रा की नॉलेज नहीं हो या ज्योतिष की नॉलेज नहीं है, लेकिन उनके लिए भी बहुत कुछ है हमारे पास आज के वेबिनार में देने। क्योंकि हम हमेशा कोई भी कोर्स लॉन्च करते हैं, कोई वेबिनार करते हैं, हमारे लिए चैलेंज होता है कि कैसे इजी वे से, कि अगर आपको उस मॉडलिटी की मतलब बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो भी हम कैसे उसको समझा सकते हैं आपको, तो हमारा ये चैलेंज रहता है। ठीक है, आप सभी को होता, आप सभी को ये बात पता होगी कि पूरा का पूरा ज्योतिष 12 भाव, कुंडली के 12 खाने, 12 राशि जो आपके जोड़ी के साइन होते हैं, और 27 नक्षत्र, पूरा का पूरा ज्योतिष 12 भाव, 12 राशि, 27 नक्षत्र और 9 प्लैनेट, जिसमें 7 प्लैनेट हमारे पास विजिबल है आपके जो मंडे संडे से लेकर सैटरडे तक डेज होते हैं, और 2 प्लैनेट है राहु इनके। तो पूरा ज्योतिष इसी पर बेस्ड है। इसमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज नक्षत्रा। अब आप बोलेंगे सर नक्षत्र में ऐसी क्या बात है? यस, क्योंकि समझिएगा कि जब आपका जन्म होता है तो आप पर्टिकुलर किसी नक्षत्रा में जन्म लेते हैं। ओके, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त चंद्रमा की क्या स्थिति है, चंद्रमा किस राशि में है, किसके नक्षत्र में है, वहां से आपकी दशा सिस्टम शुरू होता है। दशा मतलब हमें जिंदगी में कब क्या मिलना है। तो हर एक इंसान, हम जितने भी पैदा हुए हैं, हम किसी ना किसी नक्षत्र में पैदा हुए, और जब हम पैदा हुए थे तो सारे के सारे प्लैनेट किसी ना किसी नक्षत्र में पर्टिकुलर टाइम में थे। अब ये नक्षत्र आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं, क्या ये बैड कार्मिक है या गुड कार्मिक है, तो आज का वेबिनार यही है कि नक्षत्रा की इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में, आपके हॉरोस्कोप में है क्या। ठीक है, तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, वैसे तो आप सभी जानते हैं मिस्टर सक्षम खन्ना, मेरा कहते हैं ना सबसे होनहार बच्चा ज्योतिष वर्ल्ड का। वैसे तो आप भी सारे होनार हैं, लेकिन ज्योतिष वर्ल्ड का बोला है सर। ठीक है, जितनी सक्षम ने मेहनत की है ज्योतिष वर्ल्ड में, मतलब इतनी मैंने भी नहीं की, मतलब मैं दूसरों को क्या बोलूं, मैं भी नहीं इतनी कर पाया, क्योंकि मेरे पास और 50 कोर्स है पढ़ने के। इसने एक ही कोर्स, एक ही चीज पकड़ रखी है, वो है ज्योतिष। नो डाउट इसको न्यूमरोलॉजी भी आती है, इसको पामिस्ट्री भी आती है, वो अलग बात है। लेकिन कहते ना, हमारे यहाँ एक कहावत होती थी जब टीचर कुछ सिखाते थे ना, कहता है बेटा इसको घूट के पी जाना ना, तो कहते ना ज्योतिष को सक्षम ने ना घूट के पिया हुआ है। तो आज रिवील करते हैं कि कैसे आप अपने अपने नक्षत्रों को पहचानेंगे, और कैसे नक्षत्रा पढ़कर कैसे आप अपनी कार्मिक डेट्स को, है ना, जो बुरे कार्मिक डेट्स हैं उनको कैसे रेमेडी कर हम ठीक कर सकते हैं, और अगर कोई अच्छा कार्मिक हमारे पास लेकर आ रहा है तो कैसे उसको अपना कर, उसकी कुछ अच्छी रेमेडी कर हम अपने जीवन में फ्रूटफुल रिजल्ट उस नक्षत्र से ले सकते। यह सक्षम प्लीज।
चेक्सम अपने आप को अनम्यूट कर लेना। सभी को जय श्री कृष्ण। और आज एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीरीज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नक्षत्रास, आज उसको हम चालू कर रहे हैं ऑफिशियली। और काफी लोग बहुत पहले से वेट भी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो चलिए हम थोड़ा सा पहले एक मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ इस टॉपिक का, और इंट्रोडक्शन देने के बाद आज के वेबिनार में हम इस पूरे सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है इसमें हम किस तरह से इसको अप्रोच करते हैं, किस तरह से इससे हम प्रिडिक्ट करते हैं, इसका हम एक ओवरव्यू लेंगे ताकि आपको समझ में आए कि नक्षत्रास को आपको किस प्रकार से अप्रोच करना है। क्योंकि अभी तक हम ज्योतिष में जो चीजें पढ़ते हुए आए हैं, नक्षत्रास का टॉपिक उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। नक्षत्रास को अप्रोच करने का जो तरीका है, यहाँ से प्रिडिक्शन करने का जो तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा इस सिस्टम का, कि हम एग्जांपल्स भी देखेंगे कि किस प्रकार से हमें इस मोडालिटी में काम करना है, नक्षत्रास को हमको किस प्रकार से स्टडी करना है। एंड कल से फिर हम और बेसिक लेवल से इसको चालू करेंगे, जहां पे हर नक्षत्र का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, उससे एसोसिएटेड जो सिंबल्स हैं वो सिंबल आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ किस प्रकार से मैनिफेस्ट होते हैं, उनसे एसोसिएटेड कौन से ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे जो बेसिक लेवल की नॉलेज है हर नक्षत्र की, वो कल से मैं आपको देना चालू करूंगा। आज हम इस पूरे सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, इस सिस्टम में क्या क्या की कॉम्पोनेंट्स हैं, और किस प्रकार से आपको एक अप्रोच यहाँ पे बनानी है। तो जैसे सर ने कहा कि ये फर्स्ट टाइम हम रिवील कर रहे हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एस्ट्रो गैलेक्सी पे ये फर्स्ट टाइम है, जहाँ तक कि मुझे ऐसा, बाकी सर ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि ये और कहीं अभी नहीं पढ़ाया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म भी फर्स्ट टाइम आ रहा है, और शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पर ये नक्षत्र इतने डीपली पढ़ाया गया जो सिस्टम हम आपको पढ़ा रहे हैं, शायद ही, मतलब क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक हमने मार्केट को सर्वे किया है, आज तक किसी ने इसको रिवील नहीं किया। तो टू द वेरी फर्स्ट टाइम ये जो एक यूनिक सिस्टम है नक्षत्र का, ये हमारे प्लेटफॉर्म पर रिवील हो रहा है। यस, सो क्लासिकल लिटरेचर में और मॉडर्न लिटरेचर में भी अगर आप स्टडी करेंगे तो नक्षत्रास के ऊपर बहुत कुछ लिखा नहीं गया, क्योंकि ज्योतिष की जो नॉलेज डिस्ट्रॉय हुई है, जो नॉलेज हमसे खो गई है, उस नॉलेज में ज्यादातर नक्षत्रास का ही पार्ट था जो डिस्ट्रॉय हो चुका है अभी तक, इसीलिए नक्षत्रास के ऊपर बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये एक काफी हिडन टॉपिक है, और अगर आप क्लासिकल लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको एक अलग तरह से श्लोकों को इंटरप्रेट करना होता है नक्षत्रास तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो नक्षत्रास को डिकोड करने का जितनी नॉलेज क्लासिकल्स में दी हुई है हमारे पास, जैसे अगर 10% 20% नॉलेज हमको क्लासिकल लिटरेचर से मिल रही है, सारा इंटरप्रिटेशन हमको उतनी लिमिटेड नॉलेज से ही निकालना होता है, और फिर उससे हमको डिकोड कर करके एक एक कड़ी को आपस में जोड़ के हम एक पूरे सिस्टम को समझ पाते हैं। तो चलिए हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले नक्षत्रास है क्या और क्यों हमें इसको स्टडी करना जरूरी है, तो उसको समझने के लिए एक चार्ट मैं अभी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि आपकी, आप सभी की एक जन्म राशि होती है, राइट? अब हम मान लेते हैं कि किसी की राशि है एरीज, यानी कि आपके जन्म के समय पे जो चंद्रमा है वो एरीज साइन में था। तो आप यहां देख सकते हैं कि एरीज साइन जो है, जिसका राशि लॉर्ड मार्स है,
इस एरी साइन में दो नक्षत्र यहां पे आ रहे हैं, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र का फर्स्ट पदा, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र का फर्स्ट पदा ये एरी साइन के अंदर ही आ रहे हैं। अब हो सकता है आपकी राशि भी एरीज हो, मेरी राशि भी एरीज हो और किसी एक थर्ड पर्सन की राशि भी एरीज हो, तो अगर हम तीनों लोगों की राशि एरीज है तो क्या हमारी जिंदगी में सिमिलर इवेंट्स होंगे? ऐसा जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि एरीज के अंदर तीन नक्षत्र आ रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका नक्षत्र कौन सा है, मेरा नक्षत्र कौन सा, थर्ड पर्सन का नक्षत्र कौन सा है एरीज राशि के अंदर ही। तो दो लोगों की राशि सेम हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी लाइफ में सिमिलर इवेंट्स हों। क्यों? क्योंकि नक्षत्र बदल जाते हैं। अब एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि आपकी राशि भी एरीज है, मेरी राशि भी एरीज है, आपका जो नक्षत्र है वो भी अश्विनी है और मेरा नक्षत्र भी अश्विनी, हम दोनों का नक्षत्र भी सेम हो गया, तब भी क्या हमारी जिंदगी में सिमिलर इवेंट्स होंगे? इस केस में नेचर ऑफ द इवेंट्स कैन बी सिमिलर लेकिन रिजल्ट्स हमको अलग अलग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हो सकता है कि आप अश्विनी नक्षत्र के फर्स्ट पदा में आपका जन्म हुआ हो, मेरा जन्म अश्विनी नक्षत्र के सेकंड पदा में हुआ। हर नक्षत्र के चार चरण हैं, तो राशि सेम होने के बाद, नक्षत्र सेम होने के बाद चरण अलग अलग हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लाइफ में रिजल्ट्स डिफरेंट मिलेंगे। तो एक व्यक्ति एरीज राशि में पैदा होकर अश्विनी नक्षत्र में पैदा होकर अश्विनी नक्षत्र के एक पर्टिकुलर चरण में पैदा होकर अपनी लाइफ को एक डिफरेंट डायरेक्शन दे सकता है। वही दूसरा व्यक्ति सेम एरीज राशि में पैदा होकर, सेम अश्विनी नक्षत्र में पैदा होकर अगर उसका चरण बदल जाए, अगर वो दूसरे चरण में आ जाए, तीसरे चरण में आ जाए, उसकी लाइफ का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। ये समझने वाली बात। तो यहां पे आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये टेबल आपको मिल जाएगा, हर नक्षत्र की राशि बताई गई है कि वो नक्षत्र कौन सी राशि में आता है, उसके बाद उस नक्षत्र में चरण बताए गए हैं, चरण के बाद उन चरण की डिग्रीज, नवांश का साइन क्या है और पदा लॉर्ड कौन सा है। जैसे अश्विनी नक्षत्र के फर्स्ट चरण का जो लॉर्ड है वो है मार्स, अश्विनी नक्षत्र के सेकेंड चरण का जो लॉर्ड है दैट इज वीनस। अब इसको और फंडामेंटली अगर आपको समझना है तो उसके लिए आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं से, ये एक सिटी है, एक सिटी, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। अब बहुत सारे लोगों का जन्म दिल्ली में हुआ होगा तो उनसे जब कोई पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं तो वो बोलेंगे कि हम दिल्ली में रहते हैं। तो ये हो गई आपकी राशि। अब दिल्ली में भी आप कहाँ रहते हैं अगर ये पता करना है, जैसे अगर किसी को कोई कोरियर आपको कोई पार्सल भिजवाना है और उसको आप ये बोल दोगे कि मैं दिल्ली में रहता हूं तो आपके घर तक पार्सल नहीं पहुंचा पाएगा। उसके लिए ये पता होना चाहिए कि आपकी लोकेलिटी क्या है। तो दिल्ली में जैसे मुझे तो इतना ज्यादा पता नहीं क्या, एक कोई भी स्ट्रीट हम ले लेते हैं, जैसे ईस्ट दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, ये हो गया ईस्ट दिल्ली है ना, यहाँ पे ईस्ट दिल्ली हो गया। ये ईस्ट दिल्ली है तो
आपने किसी को बोला कि मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली आपकी राशि हो गई, और फिर आपने बोला कि मैं दिल्ली में ईस्ट दिल्ली में रहता हूं तो ईस्ट दिल्ली क्या हो गया, आपका ही हो गया नक्षत्र। अब ईस्ट दिल्ली में भी, और हम जैसे ईस्ट दिल्ली भी बहुत बड़ा एक एरिया है, तो उसमें एक पर्टिकुलर जगह पे आपका घर होगा, तो अब हमें वो बताना है। सर ईस्ट दिल्ली के कोई एरिया का नाम बताइए, या किसी को पता है? जनकपुरी ले लो, विकासपुरी ले लो, रमेश नगर ले लो, रजौरी का, ये रमेश नगर यहां पर है। अब ईस्ट दिल्ली में जो ये रमेश नगर है, ये क्या है, ये आपके नक्षत्र का चरण है, फर्स्ट चरण, सेकेंड चरण, थर्ड चरण, रमेश नगर। अब इससे भी हम फर्दर एक स्टेप डाउन जाते हैं जिसे सहज बोलते हैं। सहज क्या हो जाएगा, इस रमेश नगर के अंदर भी आपका कोई घर होगा, जैसे वन आपके घर का नंबर है, 001002 रमेश नगर, इस तरीके से इसे बोलते हैं सहज। तो राशि क्या है, राशि एक बड़ा एरिया है अंतरिक्ष में। अब उस एक 30 डिग्रीज के बड़े एरिया के अंदर आपका अस्तित्व कहां पर है, वो बताता है नक्षत्र और उसका चरण, और फिर आगे जाके सहज। तो यहां पे राशि की जो डिग्री होती है दैट इज 30, और इसी 30 डिग्री का जो फर्दर डिवीजन होता है वो नक्षत्रों में होता है, और फिर उन नक्षत्रों का फर्दर डिवीजन जो होता है वो चरण में होता है, जैसा कि अभी हमने इस चार्ट में देखा। So, 30 डिग्रीज की राशि है, तो यहां पे आप देख सकते हैं जैसे अश्विनी नक्षत्र जो है वो एरीज में आता है, और अश्विनी का फर्स्ट जो चरण है, फर्स्ट पदा, वो 0 डिग्री से लेके 3 डिग्रीज 20 मिनट्स तक है, फिर 3 डिग्रीज 20 मिनट्स से 6 डिग्रीज 40 मिनट्स तक अश्विनी नक्षत्र का सेकंड पदा आ जाता है। ऐसे ही आप यहां पे कृतिका फर्स्ट पदा देखेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा ये 30 डिग्रीज यहां कंप्लीट हो गया, यानी कि एरीज जो राशि है, मेष राशि, वो कृतिका नक्षत्र फर्स्ट पदा पर 30 डिग्रीज पूरा कंप्लीट कर लेती है, 30 डिग्रीज यहां कंप्लीट हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज। ऐसे ही हर राशि 30 डिग्री की होगी, और उसमें अलग अलग चरण वापस से चालू हो जाएंगे। जैसे अगर आप टॉरस का देखेंगे तो टॉरस राशि कहां से चालू होगी, टॉरस राशि चालू होगी कृतिका नक्षत्र द्वितीय चरण से, फर्स्ट चरण जो है वो एरीज में आ गया, फिर सेकेंड चरण जो है वो टॉरस में आ गया, अगेन टॉरस साइन में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट्स तक कृतिका नक्षत्र का दूसरा पद रहेगा, फिर उसके बाद 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक तीसरा पद, ऐसे करके 30 डिग्रीज टॉरस की भी कंप्लीट होगी। तो ये थोड़ा सा आपको ये समझना जरूरी है कि नक्षत्र है क्या, नक्षत्र का चरण क्या होता है, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो आई थिंक ओवरऑल आपको इससे एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि नक्षत्र क्या होते हैं और चरण क्या होते हैं। अभी तक जो मैंने समझाया उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अभी तक जो समझाया। संदीप जी नमस्कार। सर नमस्कार। हेलो सर, हाँ ये जो आपने बताया ना सर, कृतिका में जो है इस नीचे इस एरी इसमें क्यों आया सर, नीचे वाले में जब इसका ब्लॉक लग कर दिया है ना हमने, कृतिका जो फर्स्ट चरण है, कृतिका फर्स्ट चरण जो है वो एरीज में ही है, तो सर एरीज राशि है जी। एरीज राशि में अश्विनी है, भरनी है, भरनी के चारों चरण आएंगे और कृतिका का फर्स्ट चरण आएगा, बस
फिर इसके बाद एरीज का 30 डिग्री का जो स्पेस है वो कंप्लीट हो जाता है जोडियक में। उसके बाद जो राशि चालू होती है वो है टॉरस, तो वहां पे फिर कृतिका नक्षत्र का सेकेंड चरण आता है। संदीप जी, हर एक राशि के अंदर जो हमारे लगभग लगभग सवा दो नक्षत्र आते हैं, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि नौ पद आते हैं, दूसरे लैंग्वेज में बोले तो हर राशि के अंदर नौ पद होते हैं, नौ पद, ठीक है, ठीक है जी, ठीक। अब वो जीरो डिग्री से स्टार्ट होता है, तीन डिग्री बीस मिनट का एक पद है, तो फिर छह चालीस, फिर दस, फिर तेरह बीस, फिर सोलह चालीस, इस तरह करते करते हर एक राशि के अंदर नौ पद होते हैं हमारे। ठीक है, थैंक यू जगजीत जी। मतलब कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, इसको बड़ी प्यार से अगर आप समझेंगे ना तो आराम से समझ में आ जाता है जी। इसमें जैसे बताए एक राशि में आगे चरण आगे, ठीक है सर, ये सब फिक्स है सिस्टम पूरा जी, बिल्कुल। तो इसमें जब हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं, उपाय करते हैं, तो फिर ये क्या चरण ऊपर नीचे होते हैं या राशि में कैसे करते हैं? वो प्रेडिक्शन कैसे होगा वो अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा वेट करिए, आज के वेबिनार में हम वो समझेंगे कैसे प्रेडिक्शन। थैंक यू सर। कहने का मतलब जगजीत जी अभी ये है, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक इंसान किसी एक पर्टिकुलर राशि में पैदा हुआ है लेकिन उसका नक्षत्र अलग है या चरण अलग है तो प्रेडिक्शन बिल्कुल बदल जाएगी। ठीक है, जैसे होता है ना दिल्ली के अंदर, जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में, अब दिल्ली में एक साउथ दिल्ली भी है जहां पर जो रेट है वो 5 करोड़ पर गज का रेट है, यहाँ पर एक कोई मतलब कहते हैं ना कि ईस्ट दिल्ली के अंदर या वेस्ट दिल्ली के अंदर कोई ऐसी लोकेलिटी भी है जहां पर आप लाख रुपए गज भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फर्क कैसे आया, ये फर्क पता लगता है कि सेम राशि है, जैसे बताया ना दिल्ली इज राशि, लेकिन दिल्ली के अंदर कहाँ रहते हो आप, साउथ दिल्ली रहते हो या मंगोलपुरी के एरिया में रहते हो, तो वहां से आपका करेक्टरिस्टिक बदल जाती है। यहाँ पर हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक राशि में बच्चा पैदा होता है अगर वो अलग अलग नक्षत्र में पैदा हुआ है या नक्षत्र भी सेम है लेकिन अलग अलग चरण में पैदा हुआ है तो प्रेडिक्शन बदल जाएगी। थैंक यू। अभी दो क्वेश्चन और हैं, आरती जी। जय श्री कृष्ण सर। सर मुझे पूछना था कि अभी मेष राशि जो है वो रूल होती है मंगल से, मास से, तो अभी इसके अंदर जो चरण के हिसाब से जो प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं तो जो पर्सनालिटी होगी क्या, जैसे अगर भरणी का फोर्थ चरण है उसका मंगल है और थर्ड का वीनस है तो उसका जो पर्सनालिटी में जो चीजें दिखेंगी क्या वो वीनस रूल करेगा या फिर दोनों? नहीं, पर्सनालिटी और इवेंट्स जो होते हैं वो आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं जिस प्लैनेट का कर्म आपके ऊपर है, वो भी आज हम टॉपिक कवर करेंगे। अब यहाँ पे जो एरीज राशि का जो लॉर्ड है मार्स, इसे बोला जाता है शुभपति, ये मेन प्लैनेट है। बाकी आप यहाँ पे जो पदा लॉर्ड देख रहे हैं इनका जो एप्लीकेशन है वो दशा में होता है। इनका एप्लीकेशन इज नॉट इन प्रिडिक्शन, पर्सनैलिटी प्रिडिक्शन के लिए नहीं है। पर्सनैलिटी प्रिडिक्शन का जो मेन प्लैनेट है वो शुभपति रहता है, विच इज दी राशि लॉर्ड। जब हम दशा डिराइव करते हैं तो फिर वहां पे पदा लॉर्ड्स को इंक्लूड करके हम दशा डिराइव करते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज इन दशा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सोनू जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन आ रहा है एक मेरे दिमाग में, ये मैथमेटिकल अभी आप थोड़ा रहने दीजिए, कंसेप्चुअल है तो आप पूछिए, अगर मैथमेटिक्स में आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सर बस एक चीज समझ में आ रही है इसमें, अलग से समझ लेना क्योंकि बेसिकली क्या है ना यहाँ पर अगर मैथमेटिक्स समझाने बैठेंगे तो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके सर, चलिए। तो ये कंसेप्ट ओवरऑल आई थिंक सबको क्लियर है। अब हम आते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर, ये अभी हमने नक्षत्रास का एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझा, अब हमारा सिस्टम क्या है, हमारा मतलब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सिस्टम, ये ऋषियों का है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है।
तो ये सिस्टम है क्या? इस सिस्टम में जो हमारा प्राइमरी टारगेट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्मिक प्लैनेट। ये हमारा टारगेट है। एक बार आप कार्मिक प्लैनेट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इसके कुछ आपको सिम्टम्स दिखेंगे सामने वाले की जिंदगी में, और इन्हीं सिम्टम्स के बेसिस पर आपको उसे गाइड करना है रिगार्डिंग रेमेडीज। तो यहाँ पे मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा। इस कोर्स में हम रेमेडीज कवर कर रहे हैं क्योंकि ये रेमेडीज देने के लिए आपको स्पेशल कुछ दीक्षा और इसकी आवश्यकता नहीं है। ये सारी जो रेमेडीज हैं ये परहेज वाली रेमेडीज हैं। तो आज हम सन का एग्जांपल लेंगे, सन को आज हम कवर करेंगे जिससे आपको इस पूरे सिस्टम के बारे में एक नॉलेज मिले। तो कार्मिक प्लैनेट को हमको आइडेंटिफाई करना है। हमारे हैं आप, इस दुनिया में आपका जन्म हुआ है, आप एक या एक से ज्यादा प्लैनेट्स का कर्मा लेकर इस लाइफ में आए हैं। आपके होरोस्कोप में या तो एक प्लैनेट का कर्मा होगा या एक से ज्यादा, जैसे दो या तीन प्लैनेट का भी कर्मा हो सकता है, और उसके बेसिस पे आपको आपकी लाइफ के अलग अलग इवेंट्स घटित होते हुए मिलेंगे, और उन्हीं प्लैनेट्स को या प्लैनेट को हमको आइडेंटिफाई करना है। और ये जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है ये नक्षत्र के बेसिस पे होता है। तो नक्षत्र के दो पैरामीटर है, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ नक्षत्र कर्मा ऑफ नक्षत्र। हमारा जो प्राइम फोकस है वो सेकेंड वाले पॉइंट पर है। लॉर्ड यानी कि अभी आपने जैसे देखा था हर नक्षत्र का एक लॉर्ड होता है, राइट? सो यहाँ पे आप नक्षत्र का लॉर्ड देख सकते हैं, अश्विनी नक्षत्र है, उसमें अलग अलग चरण है, उसके अलग अलग लॉर्ड हैं। इन लॉर्ड्स की जो यूसेज है वो दशा में होती है, दशा को डिराइव करने के लिए। अगर आपको प्लैनेट का कर्मा समझना है तो आपको नक्षत्र किस प्लैनेट का कर्मा दे रहा है आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट कि अगर हम अश्विनी नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो अश्विनी नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो है केतु, लेकिन ये इसका लॉर्ड है। इसमें फिर फर्स्ट पदा का लॉर्ड मार्स है, सेकंड पदा, ऐसे अलग अलग होता है, लेकिन अश्विनी नक्षत्र का जो ओवरऑल लॉर्डशिप है अश्विनी नक्षत्र की वो केतु के पास है, ये लॉर्ड है। अश्विनी नक्षत्र केतु का कर्मा नहीं देगा, कर्मा किसी दूसरे प्लैनेट का होगा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो कर्मा और लॉर्ड में हमको कंफ्यूज नहीं होना, लॉर्ड अलग होगा और जो प्लैनेट उस नक्षत्र से अपना कर्मा आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट कर रहा है वो अलग। लॉर्ड का जो यूसेज है, यूसेज होता है जनरली शांति कर्म में। जब आप कर्म कांड करवाते हैं और वहां पे शांति कर्म किया जा रहा है तो वहां पे लॉर्ड का यूसेज होता है। जब हम किसी प्लैनेट के कर्मास को प्रिडिक्ट कर रहे हैं आपके होरोस्कोप में तो वहां पे यहां प्लैनेट चेंज हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि इस सिस्टम से हम सन के कर्मा को किस प्रकार से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सन के कर्मा को किस प्रकार से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किनकी होरोस्कोप्स में या किनके लाइफ में सन का कर्मा है, यानी कि आप पास्ट लाइफ से सन का कर्मा लेकर आए हैं। ऐसे ही हम सारे प्लैनेट्स का करेंगे, स्टार्टिंग हम सन से कर रहे हैं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
अब सन का जो कर्मा है वो कौन कौन से नक्षत्रों से एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहले सन का कर्म एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड केतु है लेकिन कर्मा अश्विनी नक्षत्र किसका देता है, सूर्य का देता है। अश्विनी के बाद अश्लेषा नक्षत्र, ये भी सन का कर्मा एग्जीक्यूट करेगा, अश्लेषा, ये आपको नोट करना है। हर प्लैनेट का कर्मा एग्जीक्यूशन का जो नक्षत्र है वो अलग है। उसके बाद थर्ड इज अनुराधा नक्षत्र, और उसके बाद फोर्थ इज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। ये चार नक्षत्र सूर्य का पास्ट लाइफ का कर्मा आपकी जिंदगी में लेकर आएंगे। अब आपको क्या रिसर्च करके रखना है, आपको सबसे पहले अपना सन का नक्षत्र अपने हॉरोस्कोप में देखना है कि आपका सूर्य नक्षत्र कौन सा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको देखना है आपका मून का नक्षत्र कौन सा है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपको देखना है कि आपका लग्न का नक्षत्र कौन सा है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और फाइनली आपको देखना है कि आपके लग्नेश का नक्षत्र कौन सा है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर इन चारों में से कहीं पर भी अश्विनी, अश्लेषा, अनुराधा या पूर्व भाद्रपद आता है तो आपकी लाइफ में संकर्मा है, पास्ट लाइफ। अब हो सकता है कि आपका लगन और लग्नेश दोनों का ही नक्षत्र एक आ जाए इसमें से, तो वहां पे सन का कर्मा बढ़ गया, सन का कर्मा आपकी लाइफ में ज्यादा हो गया। इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। तो किसी भी जातक का हॉरोस्कोप आप देख रहे हैं तो ये चार नक्षत्र आपको नोट डाउन करने हैं, सूर्य का नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र, लग्न का नक्षत्र और लग्नेश का नक्षत्र। अभी एग्जाम्पल से हम करेंगे इसको, समझाएंगे आपको एग्जाम्पल के साथ, आपको समझाएंगे एग्जाम्पल। इन इन चारों नक्षत्रों में से अगर अश्विनी, अश्लेषा, अनुराधा या पूर्व भाद्रपद आता है तो उस जातक की जिंदगी में सूर्य का कर्मा है। अब इस सूर्य के कर्मा से होगा क्या वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि ये चार नक्षत्र किस प्रकार से नोट डाउन करते हैं हम, सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। आप तरीका सीख लीजिएगा यहाँ पर, फिर अपने अपने कुंडली में निकाल के रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया सर हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता दीजिए, हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, फिर आप अपना किसी भी फ्री के सॉफ्टवेयर से उसको निकाल सकते हैं। सर मैंने सेलिब्रिटीज के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ताकि अच्छा। उनकी जिंदगी हर कोई जानता है, तो सब रिलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि ये कैसे हमको नोट डाउन करने हैं नक्षत्र। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमको सूर्य का नक्षत्र देखना है, तो ये हॉरोस्कोप है। यहाँ पे देखिए सन कौन से नक्षत्र में है, अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र आ गया। यहाँ पे चरण अभी नोट नहीं करना, चरण अभी नोट नहीं करना, हमको सिर्फ नक्षत्र नोट करना है। तो सूर्य का नक्षत्र कौन सा है, अश्लेषा नक्षत्र। फिर हमें चंद्रमा का नक्षत्र नोट करना था, चंद्रमा का नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। उसके बाद हमको लग्नेश, लगन का नक्षत्र नोट करना है, तो लगन है यहाँ पे चित्रा नक्षत्र, और लग्नेश, लग्नेश कौन है यहाँ पे, शुक्र, तो शुक्र का नक्षत्र कौन सा है, मघा नक्षत्र। तो ये चार नक्षत्र हमें नोट डाउन करने हैं।
अब बताइए इन चारों में से सन का कर्मा किसी नक्षत्र में है जो अभी हमने लिस्ट में लिखा था? चार्ट बॉक्स में लिखें। और लग्नेश का मतलब होता है जो लग्न में राशि है उसका स्वामी अधिपति, दैट इज लग्नेश। सन का राइट, अश्लेषा नक्षत्र सूर्य का कर्मा लेकर आएगा, तो यहाँ पे सन खुद ही अश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ। तो इस जातक के हॉरोस्कोप में सूर्य का कर्मा है, ये पास्ट लाइफ से सूर्य का कर्मा लेकर आया है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य का कर्मा क्या होता है, इससे क्या मीनिंग क्या है इसका, कि सूर्य का कर्मा लेकर आया मतलब क्या लेकर आया है, वो भी हम समझेंगे राइट। तो एक दो लोगों का हॉरोस्कोप यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये चार नक्षत्र हमको नोट डाउन कैसे करने। जी दीप्ति जी बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10th August 1988 शाम के चार बजे जी। और जगह है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर। आप इसको किसने पूछा एस्ट्रो सेज, यस एस्ट्रो सेज में भी ये डाटा डालेंगे तो आपको वहां पर जब स्क्रॉल करेंगे तो चौथे या पांचवें पेज पर आपको नक्षत्र मिल जाए। जी Z-A-F-F-N-A-G-A-N-A-G-A-R मुजफ्फर। चलिए तो इनका सबसे पहले सूर्य देखेंगे, तो इनका भी सूर्य जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में, सन का कर्मा है। और कोई मून पुनर्वसु नक्षत्र में है तो ये सन के कर्मा में नहीं आता। इसके बाद लग्न जो है इनका मूला नक्षत्र में है, ये भी सन के कर्मा में नहीं आता। और लग्नेश इनका जुपिटर जो है वो कृतिका नक्षत्र में है तो ये भी सन के कर्मा में नहीं आता। अब आप यहाँ पे देखिए कृतिका नक्षत्र का लॉर्ड सन है, कृतिका नक्षत्र का लॉर्ड सन है, लेकिन कृतिका नक्षत्र सन के कर्मा को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो अब इनके हॉरोस्कोप में एक नक्षत्र है अश्लेषा जो सन के कर्मा को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि इनके हॉरोस्कोप में सूर्य का कार्मिक डेट है। ओके तो अब मैं जो सिम्टम्स बताऊंगा, एक एग्जाम्पल हम और लेंगे उसके बाद में सिम्टम्स आपको बताऊंगा, तो दीप्ति जी आप थोड़ा सिम्टम्स को सुनिएगा और कंफर्म करिएगा। ओके ठीक है। विनीता जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर, मुझे एक बेटी का दिखाना है, भी जन्म हुआ उसका 21 जून। किसी का भी बता दीजिए, हम तो यहाँ पे सिर्फ नक्षत्र नोट कैसे करना है। 21 जून 2023 जी। अभी तो उसका फायदा नहीं है ना, एक साल भी उनकी उम्र नहीं है तो आप वो मत बताइए। वो मतलब इतने छोटे बच्चे का ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे चार्ट नहीं लिया सर, ये ना कार्मिक निकली थी इसलिए इसका पूछना था मुझे। इतने छोटे बच्चे का ओपन प्लेटफॉर्म पे चार्ट नहीं लगाया जाता। 5 साल के बच्चे का चलेगा सर? हाँ बता दीजिए। नहीं सर, वो सिर्फ हमको नोट करना है, अभी हम प्रिडिक्शन तो कर नहीं रहे उसको। ओके सर, सिर्फ हमको नक्षत्र नोट करने। ओके 31 जुलाई 2018। टाइम 7:45 सुबह शाम को 6:41 शाम को 6:41 प्लेस मेरठ।
चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, सूर्य पुष नक्षत्र में है, चंद्रमा पूर्व भाद्रपद में है, लग्न उत्तराषाढ़ा में है और लग्नेश शनि मूल नक्षत्र में, ठीक है। तो मून पूर्व भाद्रपद में है। चलो तो बस इस तरीके से आपको नोट डाउन करना कि नक्षत्र कौन कौन से। हर प्लैनेट के लिए हम करेंगे, अभी हम यहाँ पे सूर्य को समझ रहे हैं। चलिए हमने नोट डाउन करने का तरीका यहाँ पे देख लिया। अब सूर्य कर्मा से क्या क्या सिम्टम्स या क्या क्या इंडिकेशंस आपकी लाइफ में आते हैं उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम आपको मिलेगा सन कर्मा का, दैट इज कि आपके फादर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं होगी। कुछ ना कुछ इशू फादर के साथ यहां पर होंगे रिलेशनशिप में, ये फर्स्ट सिम्टम है। ऐसे जातकों में देखा जाता है कि इनके पिता जो होते हैं वो ब्रेड विनर नहीं होते हैं फैमिली में ना, या आप समझ सकते हैं कि फादर के साथ कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। थर्ड, कॉन्फिडेंस इशू जातक में, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, ऐसा जातक पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने का इच्छुक होगा, गवर्नमेंट जॉब आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम्स विथ अथॉरिटेटिव पीपल या गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आप देख सकते हैं। अगर बिजनेस करेंगे तो मनी फ्लो में प्रॉब्लम्स होंगी। फादर की जो एक गाइडेंस मिलती है हर किसी को अपनी जिंदगी में, वो उस गाइडेंस की कमी रहेगी इस जातक में, या फादर जैसे और कोई पर्सन हो उनसे भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी। जो पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। प्रॉब्लम्स विथ पैटर्नल रिलेटिव्स। ईगो इश्यूज, फादर या पैटर्नल रिलेटिव्स इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। अब यहां पे आप देखिए ये कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपका क्लाइंट आपको सिर्फ ये सिम्टम्स भी बता रहा है आपके, तो वहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हॉरोस्कोप में चार नक्षत्र जो हमने डिस्कस करें, सन मून लग्न लग्नेश, इसमें से कोई ना कोई सन का कर्मा कैरी कर रहा है।
अभी हमने हॉरोस्कोप नहीं देखा, लेकिन अगर इस तरीके के सिम्टम्स सामने वाला आपको बोल रहा है तो आप सिर्फ इन सिम्टम्स को समझ के भी ये पता लगा सकते हैं कि सन के नक्षत्र, सन का जो कर्म एग्जीक्यूट करते हैं वो नक्षत्र कहीं ना कहीं या तो सूर्य में है, चंद्रमा में है, लग्न में है या लग्नेश में, ये बताया जा सकता है सिम्टम्स को समझ के भी। ये सिम्टम्स है, राइट। अब हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स जिसमें आपको प्रिडिक्शन समझ में आएगा कि बेसिकली प्रिडिक्शन हमें किस प्रकार से करना है। तो फर्स्ट चार्ट जो सन के कर्मा को बहुत प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहा है, उनको आप सभी लोग जानते हैं, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा। तो चलिए उनका चार्ट हम निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि सन का कर्मा कैसे वहां एग्जीक्यूट हो रहा है और उनकी लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे जो उस पर्टिकुलर कर्मा, उस पर्टिकुलर नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ये पूरा सिस्टम समझ में आ जाए। क्लियर है? चलिए तो चार्ट निकालते हैं हम। ओके तो ये देखिए, ये बराक ओबामा जी का चार्ट है, August 4, 1961 एंड शाम के 7:24 और उनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्लेस के हिसाब से यहाँ डाला हुआ है। ये मेरठ नहीं है, राइट। यहाँ से जब भी हम रेफरेंस चार्ट लेते हैं तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ से डाला जाता है। तो ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, 157 वेस्ट 52, 21 नॉर्थ 18। तो अब यहां पे आप देखिए, सूर्य अश्लेषा नक्षत्र, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र, लग्न धनिष्ठा नक्षत्र और लग्नेश यहां पे कौन है? सैटर्न। तो सैटर्न उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। सन का कर्मा यहां पे है क्या? कहीं पे आपको दिख रहा है कोई ऐसा नक्षत्र जो सन का कर्मा एग्जीक्यूट करे? हम लोग भूल गए हैं, वो कह रहे हैं कि सर एक बार और चार जो नक्षत्र थे वो बता दीजिए कौन कौन से। ठीक है, अश्विनी, अश्लेषा, अनुराधा और उत्तराभाद्रपद लिख लीजिए, ये सन का कर्म एग्जीक्यूट करेंगे। अश्विनी, अश्लेषा, अनुराधा, उत्तराभाद्रपद। अब यहां पे क्या है? सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में, सूर्य खुद अश्लेषा नक्षत्र में, यानी कि इनके हॉरोस्कोप में सन का कर्म है, करेक्ट। और सन का कर्मा सन ही एग्जीक्यूट कर रहा है,
सन ही वो प्लैनेट है जो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब इनकी लाइफ में कौन कौन से इवेंट हुए थे? बराक ओबामा जी, ये मैंने रिसर्च करके रखा है, आप भी पढ़ सकते हैं इनके बारे में। ये अपने बायोलॉजिकल फादर से सेपरेट हुए, ये अपने बायोलॉजिकल फादर से सेपरेट हुए थे और अपने बायोलॉजिकल फादर से ये जिंदगी में सिर्फ एक ही बार इनकी मुलाकात हुई। ये रिसर्च जब मैं कर रहा था तो इनके ये इवेंट निकल के आया। और दूसरा इवेंट आप लोग जानते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अमेरिका के 44th प्रेसिडेंट थे। तो हमने जो सिम्टम्स यहां पे नोट डाउन करे हैं, ये सारे, उसमें जैसे आप देख सकते हैं कि रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक रहा, अपने बायोलॉजिकल फादर से ही सेपरेटेड थे, और उसके बाद इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट जॉब, प्रेसिडेंट है, गवर्नमेंट जॉब है वो, ये सारी चीजें सन एग्जीक्यूट कर रहा है इनके हॉरोस्कोप में थ्रू अश्लेषा नक्षत्र, जो सन के कर्मा को कैरी करता है। एक चार्ट हम और देखते हैं करंट यूएस प्रेसिडेंट का। करंट यूएस प्रेसिडेंट कौन है आप सब लोग जानते हैं, जो बाइडेन। उनका हॉरोस्कोप हम यहां लगा के देखते हैं। देखिए नक्षत्र आपको पढ़ना है ना, तो आपको सिमिलैरिटीज को पकड़ना होगा कि जैसे हम यहां प्रेसिडेंट्स के बारे में, अभी मैं नरेंद्र मोदी जी का चार्ट भी डिस्कस करूंगा, वहां पे भी सन कर्मा, तो इन्हीं सब लोगों के चार्ट में सन कर्मा क्यों है, ये कड़ियां हमको जोड़नी। तो ये जो बाइडेन जी का चार्ट है, चलिए यहां पे चेक करते हैं। सन अनुराधा नक्षत्र, मून अश्विनी नक्षत्र, लगन अनुराधा नक्षत्र और लग्नेश मार्स यहां पर है, स्वाति नक्षत्र। अब आप देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग सूर्य का कर्मा है यहां पर। अश्विनी नक्षत्र सूर्य का कर्मा कैरी कर रहा है, अनुराधा नक्षत्र सूर्य का कर्मा कैरी कर रहा है, और चार में से तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर सूर्य के नक्षत्रों में है। चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, सूर्य अनुराधा में है, लग्न इनका अनुराधा में है। तो जो चार हमारे पैरामीटर हैं, उनमें से तीन पैरामीटर सन का ही कर्मा कैरी करने इनके चार्ट में आप देख सकते हैं। अब इनके बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो क्या चीजें सामने आई, जब इनका जन्म हुआ था, जैसे ही इनका जन्म हुआ था, इनके जो फादर थे उन्होंने अपनी पूरी, उनकी जो वेल्थ थी वो खत्म हो गई। मतलब उन्होंने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करा होगा, नुकसान हो गया, यानी कि जन्म, इनके जन्म के बाद से ही इनके फादर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़नी चालू हुई। और बहुत समय तक जो इनके फादर थे वो एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम नहीं ढूंढ पाए इनके जन्म के बाद। और दूसरा जो पॉइंट है वो आप सब लोग जानते हैं कि ये अभी करंट यूएस
प्रेसिडेंट है, राइट। चलिए यहां पे देखिए सिम्टम्स, सेकेंड पॉइंट पे आप फोकस करिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स विद फादर। जो इनके लाइफ में देखने को मिला बिकॉज ऑफ सन कर्मा, और उसके साथ साथ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स इनका था, गवर्नमेंट जॉब आप जानते ही इनकी है। इनका रिलेशनशिप फादर के साथ कैसा था इसकी कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन एज सच मुझे नहीं मिली है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बट यस, फादर के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनके जन्म के बाद से ही बहुत ज्यादा बढ़ गई थी थ्रू सन कर्म। चलिए अब एक चार्ट हम लगाते हैं नरेंद्र मोदी जी का, यहां पे भी सन कर्म एग्जीक्यूट हो रहा है, आप देखिए। चलिए ये नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है, सूर्य उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, लग्न अनुराधा नक्षत्र, मून अनुराधा नक्षत्र, और लग्नेश यहाँ पे मंगल है जो विशाखा नक्षत्र में। अब यहाँ पे भी दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स सूर्य के कर्म दिखा रहे हैं, जैसे जो बाइडेन जी के चार्ट में तीन था इनके में दो है, तो अनुराधा नक्षत्र भी सूर्य का कर्म एग्जीक्यूट करेगा, और दोनों ही अनुराधा नक्षत्र हैं, लग्न भी अनुराधा नक्षत्र में और चंद्रमा भी यहाँ पे इनका अनुराधा नक्षत्र में, जो यहाँ पे सन का स्ट्रॉन्ग कर्मा नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में दिखा रहे हैं। तो हम ये जानते ही हैं कि करंट प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो सिम्टम्स में है सूर्य के कर्मा में। सेकेंड, इनका देखिए इंक्लिनेशन टूवर्ड्स पॉलिटिक्स था, तो आप सब लोग वैसे जानते ही होंगे कि 8 साल की उम्र से ही इन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया, और आरएसएस ये अटेंड कर रहे हैं, यानी कि बहुत पहले से बचपन से ही इनका जो इंक्लिनेशन था वो पॉलिटिक्स में जाने का, जो हमारा यहाँ पे हमने अभी सिम्टम्स में स्टडी करा। तो जो चार हमारे पास पैरामीटर है, सन मून लग्न और लग्नेश, इनमें से ज्यादातर प्लैनेट्स जिस पर्टिकुलर कर्मा को दिखाएंगे, पर्टिकुलर प्लैनेट के कर्मा को दिखाएंगे, उस प्लैनेट का डेट आप इस लाइफ में लेकर आएंगे, दैट इज द कर्म। अब जैसे यहां पे दो पैरामीटर्स मून और लग्न सूर्य का कर्मा दिखा रहे हैं थ्रू अनुराधा नक्षत्र, तो ये प्रेडोमिनेंट है, सन कर्मा इनके चार्ट में प्रेडोमिनेंट है। अब हो सकता है कि लग्नेश यहाँ पे दूसरे प्लैनेट का कर्मा दिखा रहा है, सन यहाँ पे दूसरे प्लैनेट का कर्मा दिखा रहा है, तो उनका भी प्रभाव आएगा, वो हम स्टडी करेंगे आगे जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा हमारा, लेकिन ज्यादातर प्रभाव यहाँ पे सूर्य का आएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे दो पैरामीटर से अपने आप को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अप्रोच करना है इस पर्टिकुलर पूरे सिस्टम को,
इस तरीके से अप्रोच करा जाता है। तो ये मैंने आपको सिस्टम के बारे में समझाया है। कल से हम थोड़ा सा बेसिक से पहले चालू करेंगे। अभी जैसे हमने सन कर्मा यहाँ पे कंप्लीट करा है, तो कल हम मून कर्मा नहीं करेंगे। कल पहले हम नक्षत्रों के सिम्बोलॉजी को, उनसे एसोसिएटेड ट्रीज को, उनके लॉर्ड्स को समझेंगे। और नक्षत्र जब भी आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन नक्षत्र का, तो ध्यान रखिएगा कभी भी नक्षत्र को हमेशा 9 के पेयर में पढ़ा जाता है या 27 के 27 नक्षत्र एक साथ पढ़े जाते हैं। कभी भी आप जैसे कोई नक्षत्र पढ़ रहे हैं, आपने 2-3 नक्षत्र पढ़े और फिर आप उठ के कहीं चले गए, ऐसा नहीं करना, ये बहुत अशुभ माना जाता है, बहुत अशुभ माना जाता है। तो 2-3, 1-2 नक्षत्र कभी नहीं पढ़े जाते, या तो 9 पढ़िए या तो 27 के 27 पूरे पढ़िए। तो कल की क्लास में आप तभी बैठिएगा जब आप पूरी क्लास अटेंड करें, बीच में उठ के मत जाइएगा, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग में भी इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि रिकॉर्डिंग भी अगर देख रहे हैं तो बीच में उठ के नहीं जाना। एटलीस्ट 9 नक्षत्र आपको एक सिटिंग में बैठ के पढ़ने होते, बीच में उठ के आप जाएंगे तो वो थोड़ा अशुभ माना जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब सन कर्मा जिनके भी होरोस्कोप में है उनको किस प्रकार से आप रेमेडी दे सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। उनको सबसे पहले तो हम सन कर्मा की रेमेडी कब देंगे, जब एटलीस्ट 4 में से 2 पैरामीटर सूर्य के नक्षत्र को दिखा रहे हैं, जिनके जिन नक्षत्रों के प्रभाव से सूर्य अपने कर्मा को एग्जीक्यूट करेगा, 4 में से 2 पैरामीटर होने चाहिए। तो अगर 4 में से 2 पैरामीटर सूर्य या चंद्रमा या किसी के नक्षत्र को आइडेंटिफाई आप कर पाते हैं कि हाँ ये कर्मा है, तो उनका चार्ट एक बार स्टडी करना थोड़ा सा जरूरी है कि हमको उनको ये रेमेडी बतानी है या नहीं बतानी। तो ये भी हम आगे कोर्स में देखेंगे कि किस प्रकार से हमको ये चार्ट स्टडी करना होता है। रेमेडी यहाँ पे शास्त्रों में क्या बताई गई है, फास्टिंग। उस पर्टिकुलर प्लैनेट के डे वाले दिन फास्टिंग करनी है। जैसे यहाँ पे अनुराधा, अनुराधा 2 बार आ रहा है लग्न में भी और चंद्रमा में भी, तो संडे वाले दिन यहाँ पे फास्टिंग सजेस्ट कर सकते हैं चार्ट एक बार स्टडी करने के बाद। अब फास्टिंग अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको परहेज करना होता है उस दिन। जैसे कि संडे वाले दिन अगर सूर्य का कर्मा आपके हॉरोस्कोप में है तो संडे वाले दिन आपको ड्रिंक्स, नॉनवेज और ये सारी चीजें नहीं लेनी। वैसे प्राइम फास्टिंग ही बताया गया है, ये परहेज तो हम बोल देते हैं अगर कोई फास्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये रेमेडी की तरह काम नहीं करेगा। जैसे अगर आपने संडे वाले दिन नॉनवेज ड्रिंक्स छोड़ दिया है और उससे आपका सूर्य का कर्मा इंप्रूव हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो कर्मा और खराब होने से बच जाएगा, लेकिन इंप्रूव तभी होगा जब फास्टिंग की जाए प्रॉपरली। अगर संडे वाले दिन आप नॉनवेज या अल्कोहल ये सब ले रहे हैं तो ये सूर्य का कर्मा और ज्यादा खराब होता जाए, अगर आपके हॉरोस्कोप में सूर्य का कर्मा चार्ट से वेरीफाई हो रहा है तो। दूसरा, सूर्य का कर्मा अगर है हॉरोस्कोप में तो पैटर्नल रिलेटिव्स और फादर इनकी सेवा आपको करनी है, लेकिन इनकी एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी। ये अगर आपको कोई एडवाइस दे तो वो एडवाइस आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन इनकी सेवा आपको करनी। क्लियर है? तो ऐसे हर प्लैनेट का हम डिस्कस करते जाएंगे और फिर उनसे एसोसिएटेड जो चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे कुछ विधान है कि अगर उस अनुराधा नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा है जैसे इनके केस में है, तो उससे रिलेटेड भी एक रेमेडी करी जाती है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे स्कीम में।
जी किसी के कोई क्वेश्चन? मैं सबके हैंड्स एक बार डाउन कर देता हूँ सर। सर सबके हैंड्स एक बार डाउन कर दीजिए। मैंने कर दिए थे, अभी दोबारा सब हैंड रेज कर रहे हैं। जिसके कोई अभी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यस यू कैन आस्क। ऐसे नहीं सर मेरा बता दो अभी, क्योंकि समझिए हमने आपको कंसेप्ट बता दिया, आप सभी अपना अपना निकाल के रखो, देखो फिर अपने बारे में, और पहले वो डिस्कस करें। मैं दोबारा से हैंड डाउन कर रहा हूं। पहले सिर्फ जो आज कॉन्सेप्ट बताया गया है, आपने अपनी एस्ट्रो से बहुत सारे ऐप्स पाते हैं जिसमें आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। जिसने पहले वो कुंडली अपनी बना ली है, उसने आपने देखा है कि मेरा सन का कर्मा है, वो सिर्फ हैंडेज करेगा। अभी ये सिर्फ एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन दिया है आपको टॉपिक का, ये अभी तीन लेयर्स में इसको डिकोड करा जाता है, तो वो हम बेसिक्स कवर करने के बाद समझेंगे कोर्स में। अभी तीन दिन हमारा बेसिक्स का रहेगा, जिसमें हम नौ नक्षत्रों के पेयर को तीन दिन कवर करेंगे। कल नौ नक्षत्र करेंगे, परसों नौ नक्षत्र करेंगे, उसके बाद नौ नक्षत्र करेंगे, तो ये आपका बेसिक पूरा हो जाएगा। फिर वापस हम इसी सिस्टम पे आ जाएंगे, और इसकी जो अलग अलग लेयर है, अभी हमने फर्स्ट लेयर डिकोड करी है, ऐसी तीन लेयर है, तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है ये। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रख के समझना होगा, क्योंकि नक्षत्रा को समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा जी। अमिता जी, सभी प्लैनेट्स के कर्मा को हम पढ़ेंगे, और फिर सभी राशियों के कर्मा को पढ़ेंगे। जैसे अभी प्लैनेट्स है, वैसे ही राशियों का कर्मा भी एग्जीक्यूट होता है, तो वो मैंने अभी इसलिए नहीं आपको बताया क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए। पर हम पढ़ेंगे सारी चीजें। जो सेकेंड लेयर है वो राशि है, मैंने आपको बताया तीन लेयर है, फर्स्ट इज प्लैनेट, सेकेंड इज राशि, दूसरा ये समझिए कि ये कॉन्सेप्ट इतना यूनिक सिस्टम है कि इसके ऊपर ना तो यूट्यूब पर कुछ मिलने वाला है आपको, ना गूगल पे कुछ मिलने वाला है। मतलब जो हम सिस्टम आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत ही सीक्रेट सिस्टम है, बहुत ज्यादा सीक्रेट है। मतलब समझिए ज्योतिष पढ़ाते हुए ये 15 साल हो गए हैं, क्योंकि 2008 से जब से मैंने शुरू किया था ना, तो सबसे मैंने ज्योतिष पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। और ये सिस्टम भी समझ लीजिएगा, मुझे 2020 के बाद ही मेरे हाथ में सक्षम के थ्रू लगा है, क्योंकि सक्षम कहते मैंने बताया ना, ये डिकोड करता रहता है, रिसर्च करता रहता है, साउथ में जाता है, ठीक है, महीने वहां रह के आता है ना, तो ये बच्चा जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज निकाल के रहता है। मतलब ये सिस्टम मैंने भी नहीं सीखा था सोचिए, जबकि मुझे ज्योतिष पढ़ाते हुए 12 साल हो गए थे उस टाइम, लेकिन मैंने भी ये सिस्टम को नहीं सीखा था। सक्षम ने रिवील किया 2020 में मुझे ये सिस्टम को, है ना, ये तो बहुत पहले से जानता था लेकिन रिवील नहीं किया था उसने, कोई चर्चा नहीं चली ना कभी, उसको लगा सबको आता होगा, लेकिन बहुत यूनिक सिस्टम है, मतलब ये किसी बुक में भी नहीं मिलेगा आपको। जैसा सक्षम बताया ना, नक्षत्र के ऊपर बहुत कम लोगों ने काम किया, काम ही नहीं किया, नहीं काम किया, ठीक है। यह सक्षम किसी का क्वेश्चन लेना है? कृष्ण मोहन एक ही नाम है, वाह। अजय, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमस्कार सर। जय श्री सर, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कुंडली, कोई बुलाई ले तो भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप हो जाता। थैंक यू सर, मतलब माता जी पिताजी को धन्यवाद। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा डॉटर का है मेष लग्न और आश्लेषा नक्षत्र है और जुपिटर इन पूर्वाभद्र। तो ये रवि सूर्य का भी आगे है ना? नहीं नहीं नहीं, चार चीजें सूर्य के कार्मिक नक्षत्र। आश्लेषा, आश्लेषा है, जुपिटर का कोई रोल नहीं है ना यहाँ। सूर्य का नक्षत्र देखना है, चंद्रमा का देखना है, लग्न का देखना है, लग्नेश का देखना है। हाँ जी, लग्न का अश्विनी है। हाँ, लग्न का अश्विनी है, जी। और मून इन आश्लेषा, दो पैरामीटर आपके सूर्य के कर्मा को दिखा रहे।
जी जी सर, जुपिटर को हम काउंट नहीं करेंगे इसमें, जुपिटर का कोई रोल नहीं, सिर्फ लग्न लग्नेश सूर्य चंद्र, ये देखिए हर प्लैनेट, हर प्लैनेट जी। चंचल जी हरिओम सर, सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल। हाँ सर, ये जो आपने ग्रुपिंग बनाई है जैसे अश्वनी आश्लेषा पहला एंड नवा नक्षत्र हो गया, तो ये आपने अपनी तरफ से बनाई है? नहीं 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 नहीं, मेरे लिए हमारा कुछ नहीं है इसमें। बड़ा काश हम इतने ऋषि शास्त्र में लिखा हुआ बात ही क्या थी, क्योंकि सर ये ऐसा, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। ये शास्त्रों में दी हुई कि सूर्य के सूर्य का जो कर्मा है वो इन नक्षत्रों से। हाँ ये पूरा वैसे मैं समझ गई हूँ ये सारा, और फिर इसमें अनुराधा भी ले लिया, वो अगले नाइन में आ जाता है, पूर्वा फाल्गुन ने लिया ना शायद पूर्वा भाद्रपद। हाँ जी ये गुरु का लिया, तो सर नक्षत्रों की बताएंगे जी, नक्षत्रों की भी फिर राशियों की भी हम समझे, फिर राशियों की भी। हाँ तो ये ग्रुपिंग मेन हमको लर्न करनी है। हाँ लर्न अपने आप भी आ जाती है मैम, वो तो प्रैक्टिस कर कर सर, वो प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा। हाँ बाकी तो मैं मतलब थोड़ा बहुत तो मैं भी प्रेडिक्ट कर लेती हूँ, तो मुझे समझ में आ गया है, लेकिन ये नया कॉन्सेप्ट लगा मुझे, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा है ये नया कॉन्सेप्ट। वन प्लस जय श्री राम सर, अच्छा टॉपिक है सर, वैसे सीखेंगे सर आपसे। कोई क्वेश्चन आपका? बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल कितनी सहजता से बोला इन्होंने सर, अच्छा टॉपिक है, मेरा जवाब मिल गया सर, मेरे को पहले पूछ लिया किसी ने। अच्छा आपका है सर सूर्य का कर्मा है आपके पास? हाँ कर्मा तो है सर, मेरे खुद राज्य सेवा में हूँ। ऋतु जी के बाद आप कर ले, ऋतु जी बोलिए, ऋतु जी एवी जगजीत सिंह जी जय श्री कृष्ण सर। हाँ बोलिए, आपने जो बताया ना ये इसका जो रेमेडीज बताई है सूर्य कर्मा की, ऐसा इसमें सूर्य के कर्मा के लिए अपन ये गेहूं और गुड़ भी दान कर सकते हैं संडे के दिन? नहीं नहीं, वो कर सकते हैं लेकिन वो एक अलग, दान का जो पूरा मेथडोलॉजी है वो बिल्कुल अलग है। नक्षत्रों के लिए जो शास्त्रों में रेमेडी बताई है वो फास्टिंग की बताई, फास्टिंग कर्मा अगर सूर्य का है तो उसके लिए दान मतलब करने से रिवर्स हो सकता है? नहीं नहीं, देखिए दान का जो दान कब किया जाता है उसके कैलकुलेशन अलग है, वो योगों के ऊपर है, तो ज्योतिष में बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत सारी रेमेडी है, रत्न की रेमेडी है, फिर दान की रेमेडी है, जप की रेमेडी है, पर वो अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे। नक्षत्र से अगर आप कर्मा डिकोड कर रहे हो तो जो आपके पास प्लैनेट आता है उसकी फास्टिंग करिए, फास्टिंग और जो जिसके संबंधित जो रिलेशन है उनको सेवा करें। हाँ जगजीत सिंह जी, आपने तभी हम हमेशा देखी कहते हैं शास्त्रों ने में हमारे पास पांच तरह की रेमेडी दी है, मंत्र यंत्र दान स्नान और औषधि, ठीक है, इनमें से जो रत्न है और जो दान है वो कभी भी ऐसे नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है हम बिना ज्योतिष जानकारी किसका भी रत्न पहन लें या किसको रत्न रिकमेंड कर दें या बिना ज्योतिष जानकारी के हम किसी को दान को सजेस्ट कर दें, ऐसा नहीं किया जाता। तो इन पांच में से जो दो रेमेडी हैं रत्न और दान, ये ज्योतिष की कंसल्टेशन अच्छे से लेने के बाद ही करनी चाहिए, इसके इफेक्ट ना कभी कभी बहुत बुरे आ जाते हैं। इसमें एक चीज ये है कि जैसे आप अगर सामने वाला आपको सिम्टम्स भी बता रहा है जो हमने अभी डिस्कस करें, वो सिम्टम्स देखो और आप उसके चार नक्षत्र देख लो, अगर सूर्य का कर्मा आ रहा है तो बाकी प्लैनेट्स को देखने की जरूरत नहीं है फास्टिंग सजेस्ट करने के लिए ना,
तो ये आप कर सकते हैं। बाकी तो फिर ज्योतिष में हम सारी चीजें लगाते ही हैं, आप जानते ही, तो आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करिए और इसके भी सारे लेयर्स को डिकोड करके आप फास्टिंग सजेस्ट कर सकते हैं। एवी जिनका नाम नहीं जा रहा है प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अमरदीप जी और राहुल कपूर जी बोल रहे हैं सर प्लीज गिव ग्लिम्सेस ऑफ कोर्स। देखिए कोर्स तो आपको बता ही नहीं है, आप जुड़े रहिए, हम एक दिन और क्लास ले रहे हैं, अपना समझ आ जाएगा कि हम कोर्स में क्या कराने वाले। ठीक है लग्नेश और लगन जो है वो अनुराधा नक्षत्र आ गई जी, आपका भी सूर्य कर्म है दो आ गया जी, तो इसका मतलब संडे की फास्टिंग करनी पड़ेगी जी। आप कर सकते हैं संडे की फास्टिंग, आप कर सकते हैं पड़ेगी, बाकी भी और जो लेयर अच्छा नहीं है वैसे करनी चाहिए सर। अगर फास्टिंग ना कर सके तो और क्या कर सकते हैं अपन, और कोई रेमेडी नहीं है इसकी? शास्त्रों में सिर्फ फास्टिंग बताया गया है नक्षत्र के बेसिस पे। अभी और जो लेयर्स हम दो तीन डिकोड करेंगे तो उसमें भी अगर सूर्य प्रेडोमिनेंट आ रहा है आप तो आपको फास्टिंग बिल्कुल करनी चाहिए संडे में जी। रिया जी जी सर मेरा ये सवाल था कि ये जो सन का पास्ट लाइफ कर्म आ रहा है तो हमें सिर्फ उसी डे की फास्टिंग करनी है जिस प्लैनेट का कर्म आ रहा है, थ्रू विच पैरामीटर जो सक्सेसफुल हो रहा है, अगर मून और लग्न से आ रहा है तो हमें उस डे का फास्टिंग नहीं करना है ना उसके प्लैनेट के दिनों का? कहीं से भी आपका प्लैनेट आ रहा है भले ही आपका चंद्रमा सूर्य का नक्षत्र दिखा रहा है जी, तो भी संडे की फास्टिंग होगी क्योंकि सूर्य का कर्म आ रहा है उसको। सूर्य का करेक्ट, जब वही चंद्रमा का कर्म आएगा तो हम मंडे की फास्टिंग करेंगे। फिर अब बहुत बार ऐसा होता है कि चार पैरामीटर हैं, चारों अलग अलग प्लैनेट्स दिखा रहे हैं, तो उस केस में जो बाकी के जो हम लेयर्स डिकोड करेंगे वहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, तो मतलब जिसका कर्म है उसी का प्रोवाइडेड किसी भी फास्टिंग करती है उसी दिन की फास्टिंग होती है, जिसका कर्म है उसी दिन की फास्टिंग होती है। इस प्लैनेट का हम कर्मा देख रहे हैं प्रोवाइडेड किसी भी पैरामीटर से वो आ रहा हो, डजंट मैटर किसी भी पैरामीटर से है जी। ओके थैंक यू सो मच। हमारी कल भी क्लास होगी, सेम आईडी सेम पासवर्ड और सेम टाइमिंग, सभी नोट कर लीजिए। अब ऐसा नहीं जरूरी है कि हम हमेशा मतलब लिंक भेजेंगे, टाइम रहा तो भेज भी देंगे, लेकिन सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम टाइमिंग 9:15। ओके तो हमारे जो भी फ्री की क्लास होती है, फ्री का वेबिनार होता है, आप इसको ना नोट डाउन करके रखो हमारे आईडी पासवर्ड को, या इस लिंक को सेव करके रख लीजिए। मोस्टली मतलब 9:15 बजे हमारे मोस्टली यही टाइम रहता है 99%। कोई भी हमारी फ्री क्लास है, कोई वेबिनार है, तो इसके लिए वेट मत कीजिए कि कब लिंक आएगा, समझ जाओ इसको सेव करके रख लो आईडी पासवर्ड, जूम का आईडी पासवर्ड, या इस लिंक को भी सेव कर लेंगे, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली हमारी क्लास में ज्वाइन कर सकते। ठीक है, तो ऑल आर इनवाइटेड, कल भी आप सब इनवाइटेड हैं, कल हम नक्षत्र को डीकोड करेंगे सेम आईडी सेम पासवर्ड से। कल ऑफिशियली हम चालू करेंगे कोर्स को, तो बेसिक से फर्स्ट 9 नक्षत्रास को पढ़ना चालू करेंगे, फिर ये बेसिक्स हो जाएंगे तो फिर हम वापस सिस्टम पे आएंगे, जो आज मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है इस सिस्टम पे हम चौथे दिन आएंगे, 3 दिन पहले हम नक्षत्रास के बेसिक्स को स्टडी करेंगे। आज की रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी कोई पूछ रहा है? देखिए आप सभी को बताया गया है कि एक हमारा YouTube चैनल है, अच्छा चैनल है, डॉक्टर नागेश तनवर चैनल का नाम है, मेरे नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको कम से कम 600 प्लस वीडियोस मिल जाएंगे, वैसे तो वहां पर शायद 2000 से ऊपर वीडियो हैं, लेकिन जो ओपन हमने छोड़ रखे हैं वो 600 प्लस वीडियोस हैं। ठीक है, तो 600 प्लस वीडियो, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है, लाल किताब है, रेकी है, क्रिस्टल है, जीपू है, तीजिल है, यंत्राज है, रुद्राक्ष है, और जाने क्या क्या है, हमें खुद नहीं पता हमने क्या क्या बोल रखा है। ठीक है,
तो आपको 600 प्लस वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर आपको ढेरों सारी नॉलेज मिलेगी, और जब तक वो आप वीडियोस देखेंगे आप 600 वीडियो और डाल चुके हो, ठीक है। इधर उधर की वीडियो देखना बंद कीजिए। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो डॉक्टर नागेश शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको ऑथेंटिक वीडियोज ऑथेंटिक नॉलेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। फ्रॉम टुमारो समीक्षा जी, सर मनी रेकी की क्लास है, मनी रेकी क्लास के साथ ये क्लैश नहीं होगा, हम कल 9:30 के आसपास क्लास करेंगे, और मनी रेकी क्लास कल संडे है, सब छुट्टी पे होंगे, तो वो 7:00 के आसपास शुरू करेंगे, ठीक है। तो मनी रेकी क्लास कल के वेबिनार या कल की क्लास से क्लैश नहीं होगा, ठीक है। यस सर, ये कोर्स में हम नक्षत्र को लेके सिर्फ प्रिडिक्टिव नॉलेज लेंगे और उसकी रेमेडी लेंगे? यस डेफिनेटली। रेमेडी तो देखिए, रेमेडी जो है ना वो ये कॉमन है सारे सारे नक्षत्रों की, जो भी प्लैनेट का कर्मा एग्जीक्यूट हो रहा है आपको उस प्लैनेट से जो रिलेटिव सिग्निफाई हो रहा है उसकी सेवा करनी है, लेकिन उसकी बातों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना या उसके एडवाइस पे ट्रस्ट नहीं, कॉमन रहेगा। और दूसरा है आपको फास्टिंग करना उस पर्टिकुलर वन। सर इसमें हम नक्षत्रों को लेके बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे क्या, मतलब उनका जो जनरल एट्रीब्यूट्स होता है वो सब पढ़ने वाले हैं इसमें? ये जो सिस्टम है ये हम पूरा फिनिश करेंगे इसमें, प्रिडिक्टिव नक्षत्रों को लेके। इसमें एट्रीब्यूट्स वगैरह पढ़ेंगे हम नक्षत्र के? वो भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे मैडम, वो भी पढ़ेंगे। कुछ पहले तीन दिन, ठीक है। तो बेसिकली जो सिस्टम की जो यूएसपी है ना, वो जो अभी हम डिकोड कर रहे हैं कि आपके पास किसी कुंडली में देखकर आप कैसे बताएंगे कि किसके पास कौन से कर्माज है ना, डेट्स कौन से कर्माज के डेट हैं, और उसकी प्रेडिक्शन आप कैसे देंगे या उसके कर्माज को कैसे रेमेडी ठीक करेंगे। बहुत ही यूनिक सिस्टम है, आपको ये सिस्टम नहीं मिलेगा, ये तो टू द वेरी फर्स्ट टाइम। सोचिए आज 15 साल की जर्नी में हम 18-20 हज़ार स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं, टू द वेरी फर्स्ट टाइम हमने ये सिस्टम, ऐसा नहीं नक्षत्र मैंने नहीं पढ़ाया, नक्षत्र पढ़ाया है, नक्षत्र के जनरल एट्रीब्यूट्स पढ़ाए हैं, पर्टिकुलर नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान के बारे में कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, उसका फ्यूचर घर में बनेगा घर से दूर जाकर बनेगा, है ना, वो सब चीज बताई है। लेकिन जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम आज तक डिकोड ही नहीं है। सर कितने दिन का रहेगा कोर्स? सक्षम कितने का प्लान किया? 12 डेज, मतलब 12 से 13-14 12 क्लास तो एटलीस्ट रहेगी। टाइमिंग सर 9 बजे का ही रहेगा? टाइमिंग वो 9 बजे का रहेगा, ठीक। थैंक यू सर। व्हाट इज कर्मा सर? अरे कोई बोला सर कर्मा क्या है? कर्मा देखिए आपके कहते ना, हम इस जर्नी में पैदा हुए हैं, बेसिकली तीन तरह के कर्मा होते हैं। पहला है हमारा संचित कर्मा, दूसरा है हमारा जो इस जर्नी में हम कर्मा लेकर आए हैं, और एक होता है क्रियमान कर्म। तीन तरह के कर्म है, एक और होता है कामी कर्म, कभी समझा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो डेट ऑफ बर्थ अभी मिली है हमारे कर्मा के अनुसार मिलती है। सोचिए है ना, आप देखेंगे यार एक संत आदमी है, सच्चा सीधा इंसान है, इस जन्म में दुखी भोग रहा है, आपको लगता है यार मतलब इसने जिंदगी में कभी चीटिंग नहीं मारी होगी, है ना, आप भी इस साल से देख रहे हैं यार कितने दुख हो गए, जबकि इतना सच्चा इंसान है। और कई बार आप ये भी देखते होंगे इससे करप्ट इंसान, इससे जालिम इंसान जिंदगी में नहीं मिल सकता, लेकिन पता नहीं भगवान ने इसके क्या ब्लेसिंग दे रखी है, ये तरक्की रोज तरक्की करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा है आपके कर्मा के अनुसार, आपके लास्ट जर्नी के जो संचित कर्माज हैं आपके, ठीक है, तो उनके अनुसार आपको इस जर्नी में कुछ कर्माज भोगने या काटने के लिए मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम जो आपको सिखा रहे हैं बैड कर्माज ही सिखाएंगे, नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए कुछ प्लैनेट अच्छे नक्षत्र लेकर आप पैदा हुए हैं और उन नक्षत्र के आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। जैसे अभी सक्षम बताया, तीन एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों प्रेजिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो सूर्य के कुछ बैड कर्माज भी हैं। बैड कर्माज क्या है कि उनके तो फादर है वो कहीं ना कहीं कमा नहीं पाए या फादर से डिटैच रहना पड़ा, लेकिन अच्छे कर्माज क्या है इसके? अच्छे कर्माज हैं कि आज वो मतलब अपने अपनी कंट्री के टॉप मोस्ट लीडर में है या एक टॉप मोस्ट पोजिशन। तो
कर्माज बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, और बुरे अच्छे दोनों भी हो सकते हैं। तो दोनों ही एग्जीक्यूट करेंगे इस सिस्टम में। आज बात यह है कि आपको ये डिकोड नहीं करना है कि अच्छे कर्म एग्जीक्यूट होंगे या बुरे होंगे, क्योंकि ऋषियों ने क्लियरली लिखा हुआ है सूर्य का कर्म मतलब सूर्य का इंटायर कर्म, पॉजिटिव नेगेटिव साथ में। बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि किसी के हॉरोस्कोप में नेगेटिव कर्म ज्यादा मैनिफेस्ट हो रहा है किसी के में, ऐसा नहीं होगा। साथ में सूर्य की पॉजिटिव क्वालिटीज और सूर्य की नेगेटिव क्वालिटीज एक साथ आपको आएगी। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। अब जैसे देखिए इसमें सिंपल था, सूर्य कर्म हमने क्या देखा कि फादर को परेशानी है ना, फादर से डिटैचमेंट, फादर की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, लेकिन आपके लिए अच्छा है, आपकी गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको बेनिफिट है ना, मतलब रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलती है, तो वो सारी चीज आपको मिल रही है। तो किसी कुंडली को देखकर इतनी सारी चीजें बता देना ये भी बहुत बड़ी बात है ना। अब इसके लिए बहुत ज्यादा ज्योतिष पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सूर्य कर्मा, चंद्रमा कर्मा, मंगल कर्मा, बुध कर्मा ये सारा पढ़ लिया, तो कोई भी कुंडली आती है सिर्फ नक्षत्र देखना कि भाई इसके कितने प्लैनेट है ना, कौन कौन से नक्षत्र में है और इस नक्षत्र के कार्मिक क्या है। 10 बातें आप किसी को बोल देंगे तो बंदा वैसे ही फ्लैट हो। इसलिए हम कहते हैं ना कि नॉलेज ले लीजिए, नॉलेज होगी तो क्लाइंट अपने आप आएगा, बना रहेगा जिंदगी भर। ठीक है, तो कुछ चीजें हमें आपको ऐसे सिखाने वाले हैं इसमें कि ऑन द स्पॉट प्रेडिक्शन कैसे करें, है ना। किसी इंसान के बारे में मान लो आपसे टैरो कराने आया है, आपको ज्योतिष बिल्कुल नहीं आता लेकिन आपने ये कोर्स कर लिया और आपने फटाफट निकाल के नक्षत्र देख लिए और देख लिया इसकी जिंदगी में कौन से कर्माज है, मान लो सूर्य कर्माज उसके बाद 10 बातें आपने उसके बारे में बता दी, बंदा फ्लैट हो गया। ये बताकर आप अपने प्रेडिक्शन करते रहिए। बेसिकली क्या होता है, फेथ जनरेट किया जाता है ज्योतिष के अंदर या ऑकल्ट साइंस के अंदर। सबसे पहला क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने क्लाइंट को बैठते ही 4 बातें ऐसी बता दी ना कि जो उसको लग गई, यार ये तो बड़ा नॉलेजेबल है, बस इतना ही चाहिए होता है, बाकी तो करने वाला तो ईश्वर है। ठीक है, लेकिन उसका फेथ जो आप में जनरेट हो गया, क्योंकि ऑकल्ट तब काम करता है जब सामने वाले का फेथ 100% आप में है और आपका फेथ इस साइंस और इस विद्या में या श्री कृष्ण में 100%। तो मैं कहता हूं जीवन में कोई भी ऑब्स्टिकल आपको ऑकल्ट साइंस में पीछे नहीं कर सकता। ठीक है, यह समझो बालाजी। अभी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सर, क्या प्राइस रहेगा, कब से कोर्स शुरू हो रहा है, कल का क्वेश्चन लेते हैं सर, कल का वेट कर लेते हैं ना, कल बताएगा कितने का कोर्स है, क्या फोरम से कहेंगे, कल आइएगा, सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम टाइम। बाला सर जिसका नाम नहीं जा रहा प्लीज अनम्यूट करें। हाँ बाला सर, मैं ये पूछी थी लग्नेश का नक्षत्र किस तरह से देखा जाता है, मुझे तो समझ नहीं आया। लग्नेश का मतलब हो गया मैडम लग्न में कौन सी राशि है आपकी, जैसे कन्या लगन है मान लो, कन्या लगन चार होता है। हाँ जी, कन्या लगन 4 नहीं होता, कन्या लगन मतलब होगा 6 नंबर की राशि। ये कन्या लगन है, तो कन्या लगन का लॉर्ड कौन है, बुध। कन्या लगन का राशि लॉर्ड कौन होता है, बुध। बुध का नक्षत्र देखिए यहाँ पे, बुध का नक्षत्र इस चार्ट में, हाँ है। लिखा है ना उत्तराफाग्नि, UPHA, उसके आगे देखिए ना मरकरी के आगे लिखा है UPHA, यानी उत्तराफाग्नि। लग्नेश का मतलब हो गया जो लग्न में राशि है आपकी, अच्छा, उसका अधिपति, उसका जो लॉर्ड है दैट इज लग्नेश। जैसे चंद्रमा है लगन में, मतलब चंद्रमा लगन में नहीं, अगर छठी कुंडली में कन्या राशि है तो चंद्रमा आपका राशि लॉर्ड होगा, लग्नेश नहीं होगा। अगर आपका मतलब चंद्रमा देखना है तो आपकी कर्क राशि होनी चाहिए, कैंसर साइन आपका, तो आपका नहीं, एक्चुअली लगन भी कन्या है और राशि भी कन्या है, राशि से कोई मतलब नहीं है अभी। अच्छा, आप लगन के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो राशि। हाँ जी, अच्छा लगन है तो लगन में जैसे आया तो हमने देखना कि उसमें बुध है, उसका लॉर्ड है। नहीं नहीं, पहले तो लगन में देखना है, ऊपर लिखा था, सबसे ऊपर देखिए लगन लिखा हुआ है। हाँ जी, तो लगन के आगे नक्षत्र लिखा हुआ है, लगन कौन सा नक्षत्र क्या है,
लग्नेश क्या होगा, लग्नेश होगा जो लग्न में राशि है उसका अधिपति, उसका स्वामी ग्रह कौन है, दैट इज लग्नेश। लग्नेश सूर्य और चंद्रमा, बस चार चीजें ही है, सूर्य और चंद्रमा, ठीक है। और ये अभी तो हम जल्दी में बता रहे हैं, ये सारी चीजें बड़ी आराम से आपको एक चीज जब कोर्स स्टार्ट होगा तो बिल्कुल क्रैश लैंड आपको सिखाया जाएगा। यस अच्छा उमा जी, हरे कृष्णा सर। हरे हरे कृष्ण। जैसा कि आपने बताया है कि अगर सूर्य का जो बोला जैसे आपने फास्टिंग का, तो ये फास्टिंग कितने दिनों तक करना होगा? ये एक मंडला आपको एटलीस्ट 40 संडेज तक करना होगा। ठीक है सर, थैंक यू। और फिर उसके बाद एक दो हफ्तों का गैप देके वापस से चालू होगा, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा 40 डेज का मंडला। ठीक है सर, थैंक यू। पंखुड़ी जी, सर मुझे पूछना, जैसे मेरा लेवन हाउस में बिल्कुल एम्प्टी है, तो मुझे लग्नेश कैसे पता चलेगा कि कौन है? लग्नेश तो आपकी राशि जो फर्स्ट हाउस में राशि है उसका लॉर्ड होगा ना मैम, भले वो एम्प्टी हो उससे तो ना फर्क पड़ेगा। फर्स्ट हाउस में जो भी राशि है, कौन सी राशि है आपकी फर्स्ट हाउस में? सर मुझे इतनी भी नॉलेज नहीं है, आई एम जस्ट लर्निंग। कौन सा नंबर लिखा हुआ है वहां पे फर्स्ट हाउस में? कौन सा नंबर है? कभी कुंडली देखी है मैडम आपने अपनी? हां जी, जैसे लग्न में यहां पे सिर्फ 7 नंबर लिखा है। हां तुला, तुला लगन है, लिब्रा साइन या तुला राशि है लग्न की, लगन तो आपका लग्नेश हो गया शुक्र, वीनस, सॉरी वीनस, शुक्र, या। शुक्र। अच्छा वीनस। जिसको ये भी नहीं आता ना सक्षम, एक काम करिए पहली क्लास में ये भी सिखा देंगे, तो बेसिक कोर्स ही दे दो ना सर। चलो सबको इस कोर्स में आप बेसिक कोर्स सबके साथ करिए, मतलब जो भी कोर्स करता है सभी को बेसिक कोर्स अपना दे। थैंक यू सर। नेहा जी, अरे बोलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। सर इससे भी आपने बताया कि ये जो सूर्य कर्म अपन देखा, ये पिछले जन्म के कर्मा से जो इस जन्म में कर्म आए हैं जो हमें इस जन्म में भोगना है वो, तो सर आपने बेसिक कोर्स में बताया था कि जो 12वें घर में जो राशि रहती है उसका स्वामी जो जिस घर में रहता है जिस भाव में रहेगा वो भी अपना पिछले जन्म का कर्म रहेगा, तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे या सेम हो सकते हैं? नहीं, आपका एंड रिजल्ट जो निकलेगा वो प्रिडिक्शन में सेम ही निकलेगा। ज्योतिष में हमेशा 3-4 चीजों को साथ में लेके आपको चलना होता है, योग, दशा, गोचर, नक्षत्रास, राशियां किस तरफ पॉइंट आउट कर रही है, ये सब एक बोलते हैं ना अलग अलग कड़ियां हैं, इनको आपको फिर कंबाइन करना होता है जी सर। बट मोटा मोटा जो 12वें ग्रह का 12वें भाव का जो राशि स्वामी है वो राशि स्वामी जिस घर में रहेगा जिस भाव में रहेगा बेसिकली वो अपना पास्ट कर्म का रहेगा। देखिए पहली बात तो आपका ये जो आपने इंटरप्रिटेशन निकाला है ये आपने गलत निकाला है, ऐसा हमने बेसिक कोर्स में ऐसा कुछ नहीं आपको बताया। मैं वही कह रहा था, पता नहीं भाई सच को ने क्या मतलब सपनों में आके पढ़ा दिया क्या। नहीं तो आपने कुछ गलत समझ लिया है कि 12वें घर का जो राशि लॉर्ड है वो जिस घर में रहेगा वो पास्ट लाइफ कर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा आप जहां आप जैसे भी आपने जहां भी पढ़ा है थोड़ा सा उसे और एक बार आप रिवाइज करिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। 12वें हाउस में जो प्लैनेट होता है उस प्लैनेट के कारका आपको ये बताते हैं कि आपके पास्ट लाइफ से कौन कौन से कर्मा कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है, राइट? वो इससे रिलेटेड नहीं। हालांकि जब आप पूरे हॉरोस्कोप का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करोगे तो जो नक्षत्र से कर्मा निकल के आ रहा है सारे प्लैनेट के योगास भी आपको वही बताएंगे।
अगर सूर्य का कर्म निकल रहा है तो प्लैनेटरी योगास भी सूर्य के कर्म की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, दशा भी सूर्य के कर्म की तरफ ही पॉइंट आउट करेगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में सूर्य का कर्मा है तो आप देखेंगे कि चंद्र मंगल राजयोग भी लगन में बना हुआ है, विच इज अगेन राजयोग फॉर पॉलिटिक्स, चंद्र मंगल योग बोलते हैं। मजे की बात है स्टडी करना, सूर्य जब से सूर्य की दशा लगी थी ना तब से राइज करना शुरू किया। और अब देखिए यहाँ पे अगर दशा ही नहीं लगेगी तो वो कर्म एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो दशा भी वही सेम कर्म पॉइंट आउट करेगी कि सूर्य का कर्म इनकी लाइफ में आएगा, तो सारी चीजें सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगी। आपकी ज्योतिष की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है ये बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया गया था जब मोदी जी फर्स्ट टाइम आए थे, तो ये हमारे गुरुजी ने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये तीन बार पीएम बने, क्योंकि दशा सिस्टम इतना स्ट्रांग चल रहा है उनका, सूर्य फिर चंद्रमा फिर मंगल। तो अभी उनका चंद्रमा खत्म हुआ है शायद 2020 में और अब इनका मंगल स्टार्ट हो गया। मंगल इनका मोदी जी का इतना स्ट्रांग है कि भगवान ने चाहा तो थर्ड टाइम भी पीएम आए, ये बहुत पहले से प्रेडिक्टेड है मेरे गुरु के द्वारा। तब तक कि इनके अपोजिट कोई और बहुत अच्छा योग नहीं आ जाता, क्योंकि अब कंपैरिजन क्या होता है, देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता जब जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी कुंडली को कि भाई कौन जीतेगा, है ना, तो ऑब्वियसली कंपैरिजन होता है। अब हो सकता है कोई महान पुरुष की कुंडली आ जाए और बोले वो पीएम बन जाए तो अलग बात हो सकती है, लेकिन एट प्रेजेंट जो देख रहे हैं जिनकी डाटा हमारे पास है और जिनका प्रिडिक्टिव है कि कौन कौन पीएम बन सकता है, तो उसमें से नरेंद्र मोदी वो अभी कोई बीट करने वाला नहीं है। और उसको वाइज बाकी तो क्या मीडिया में चल रहा है डजंट मैटर, अब उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है दीप्ति जी, आएगा तो मोदी। नमस्ते सर। सर अभी आपने जैसे बताया जिसमें अभी आपने मेरी कुंडली भी लगाई थी तो उसमें मेरा सन का कर्म था श्लेषा का बस, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी जैसे आपने रेमेडी बताई कि अगर फोर चारों में से कोई भी दो कर्मा का सन का होता है तो हमें रेमेडी करनी है, तो एक भी होगा तो भी रेमेडी करनी होगी? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी बाकी अगर हम जो बाकी के लेयर्स डिकोड करेंगे उसमें भी सूर्य निकलेगा आपका तो फिर आप फास्टिंग करिए। अच्छा सर एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे आपने सन के कर्मा से रिलेटेड जो 12 पॉइंट्स बताए हैं उसमें मैं बहुत से पॉइंट्स से रिलेट नहीं करती हूँ, बहुत से क्या मतलब, हाँ एक ही दो से ही रिलेट करती हूँ, लाइक कि मेरे फादर का रिलेशनशिप मेरा एक समय पे कुछ टाइम के लिए था नहीं था अच्छा बट अब बहुत अच्छा है, एक क्या फाइनेंशियल मेरे होने के बाद पापा की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो गई थी, कुछ टाइम था ऐसा मेरे होने से पहले कि वो थोड़ा इश्यूज थे उनके साथ बट मेरे होने के बाद फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हुई और टच वुड भगवान की कृपा है कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं और अब काफी अच्छा उनका रिटायर हो चुके हैं, काफी अच्छा उनका गवर्नमेंट ऑफिसर वो रहे गवर्नमेंट से रिलेटेड काम जी जी वो रहे हैं और अभी 2005 में वो रिटायर हुए थे तो रिटायरमेंट के बाद काफी सब कुछ अच्छा है, टच वुड है इस चीज का। और उसके अलावा पॉलिटिक्स इंक्लिनेशन ना मेरा है ना मेरे फादर का है कहीं से, या तो पॉलिटिक्स में होगा या गवर्नमेंट जॉब होगा, दोनों में से अच्छा ये फादर का होगा कि मेरा होगा, पॉलिटिक्स इज अ गवर्नमेंट जॉब होगी ना? यस यस तो सर ये गवर्नमेंट जॉब का ये मेरे फादर का होगा कि मेरा होगा कैसे हम अगर सर? आपका मैक्सिमम पैरामीटर सूर्य का कर्म दिखाते हैं जी. तो उस केस में आपका रहेगा। अच्छा, अगर एक या दो पैरामीटर दिखा रहे हैं तो फादर का होगा। अच्छा अच्छा, या फादरली फिगर का भी हो सकता है, अगर जैसे किसी का फादर ही नहीं है जी, तो जी. उनकी लाइफ में जो फादरली फिगर है जी उनसे ये सारी चीजें मैच करेंगी। हाँ मेरे जैसे पैटर्नल रिलेशन में आपने बताया तो पैटर्नल में मेरे चाचा जी लोग सब गवर्नमेंट ऑफिसर ही रहे हैं और अभी एक हैं भी कंटिन्यू है उनका, अभी रिटायर नहीं हुए हैं वो, तो ये चीजें। तीसरा आपने लास्ट पॉइंट में थोड़ा समझ नहीं पाई सर, फादर या पैटर्नल रिलेटिव से आप स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉब्लम मीन्स मैं नहीं समझी। सूर्य का कर्म जिनका होता है और उनको अगर पैटर्नल साइड के रिलेटिव्स या फादर कोई एडवाइस दे रहे हैं जी। तो वो एडवाइस अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स उसी पल से चालू हो गए, मतलब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, उसका मतलब ये
एडवाइस इन द सेंस इन आपके प्रोफेशनल वे और इन किसी भी फॉर्म में एडवाइस, जैसे उन्होंने आपको बोला कि अच्छा आप उस शहर में रह रहे हो, आप इसमें तो डील हो गए हो जाओ, अच्छा तो छोड़ के यहाँ आ जाओ। अच्छा तो हमने सोचा कि चलो भाई मेरे रिलेटिव है, मेरा अच्छा ही सोच रहे होंगे। जी और आपने बात मान ली, तो वहां से प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चालू हो जाएगी, तो उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। हाँ ओके सर, ऐसे तो मतलब बोला ही जाता है कि फादर या बड़े किसी की भी बात माननी चाहिए, एडवाइस उनकी सुननी चाहिए, तो इस केस में हमें नहीं माननी है। इस केस में अगर सूर्य का कर्मा है तो उनकी सेवा आपको करनी है, लेकिन उनकी एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना शास्त्रों में। ओके अच्छा अच्छा ठीक है सर मैं यही पूछना चाह रही थी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आप यहाँ पे देखिए कि गवर्नमेंट का कितना ज्यादा, सूर्य का कर्म है तो गवर्नमेंट का कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जो हमने अभी प्रेसिडेंट्स के चार्ट देखे वहां पे भी गवर्नमेंट, अभी दीप्ति जी के भी पैटर्नल साइड के रिलेटिव फादर सब गवर्नमेंट में एम्प्लॉई, तो कितना ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है सूर्य। दीपिका जी नमस्कार। सर अभी आप जो बोले हो, मेरे इसमें दो इसमें सूर्य का कर्मा है सर। आप जो 12 पॉइंट्स बोले थे उसमें से भी थोड़े मैच हुए, लेकिन अभी तो मेरा एज तो 60 प्लस है, मेरा पापा भी नहीं रहे, फिर भी मैं ये फास्टिंग का जो करना है क्या? 70 इयर्स तक पास्ट लाइफ के कर्माज आपको गवर्न करते हैं इस लाइफ। अच्छा। आफ्टर 70 पास्ट लाइफ के कर्माज आपके पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, करंट लाइफ के कर्माज आपको 70 साल के बाद आपकी जिंदगी में उनका प्रभाव ज्यादा बना रहता है, तो यस आप कर सकती हैं 10 इयर्स कर सकती। अभी आप अभी दो लेयर्स बोलने वाले हैं, उसमें और भी आए तो दूसरा चंद्र का भी आप बोलने वाले हैं ना, तो मेरा चंद्र अभी हमने एक लेयर डिस्कस करी है, एक लेयर में चार पैरामीटर है, अभी दो और लेयर है इसकी। अभी सब्सिक्वेंटली संडे मंडे दो भी आ गया तो दो दिन करना पड़ता है सर उसमें? नहीं, एक ही दिन करना है आपको। ये देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से, किसी भी एक प्लैनेट का कर्मा आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा होगा पास्ट लाइफ से, उसका करना है। अब अगर आपके दो, जैसे हम फर्स्ट लेयर की बात करें जो आज हमने समझी है, उसमें आपके दो पैरामीटर सूर्य का दिखा रहे हैं, दो पैरामीटर मंगल का दिखा रहे हैं, है ना, तो बाकी के लेयर जिसकी तरफ पॉइंट आउट करेंगे उस प्लैनेट की फास्टिंग। थैंक यू। पृथ्वी जी नमस्कार सर। सर मेरे दो क्वेश्चन थे, एक्चुअली मैंने क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की थी सो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग मांग रहा था, सॉरी फॉर दैट। और सर ये ट्विंस का कैसे देखते हैं सर इस पर, अगर हम लोग देखते तो विल इट चेंज माइन्यूटली इस चीज का, ट्विंस जो होते हैं ना? हाँ जी सर, ट्विंस में आपको सहज लेवल तक जाना होता है, जो अभी हमने शुरुआत में डिस्कस किया था ना, नक्षत्र पदा और फिर उसके बाद सहज, वहां से आपको आइडिया मिलेगा ट्विंस का। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि ट्विंस का नक्षत्र भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे? यस, इवन प्लैनेट्स का कर्मा भी सेम होगा ट्विंस के केस। लेकिन सक्षम मैं एक बात बता देता हूँ, टेक्निकली मैडम मतलब मेरी मेडिकल डॉक्टर से बात हुई, मेरे काफी सारे दोस्त हैं डॉक्टर, जब ट्विंस होते हैं तो ये मतलब माना जाता है कि 12-13 मिनट का गैप होता है, मतलब टेक्निकली मोस्टली बताते हैं, है ना, 12 मिनट का गैप होता है। अब अगर 12 मिनट का गैप होगा ना तो एक नक्षत्र का चरण बदल जाता है या पद जो होता है ना वो बदल जाता है, तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ट्विंस की कुंडली को एनालाइज करते हैं तो D60 चार्ट तक हम जाते हैं, और जब हम D60 चार्ट को एनालाइज करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आपने देखा होगा एक कॉमर्स कर रहा है, एक साइंस कर रहा है, एक का नेचर बड़ा सॉफ्ट है, दूसरा एग्रेसिव है ना, एक आईटी प्रोफेशनल है, एक सीए बन गया आपका, राइट? तो
तो D24 बदल जाएगा, एजुकेशन बदल जाएगी, D24 बदल जाएगा, D30 बदल जाएगा, D30 मिसफॉर्च्यून, D60 ओवरऑल जो चीजें हम देखते हैं। तो जब वर्गा चार्ट में आप जाते हैं ना तो आपको समझ लेगा एक एक मिनट के अंदर कुंडली बदल जाती है, एक एक मिनट के अंदर। राइट सर। और इसलिए जो ट्विंस पैदा होते हैं तो ये डॉक्टर कहते हैं कि 12 मिनट का कम से कम गैप होता है नॉर्मली, मतलब मैक्सिमम केसेस में। और 12 मिनट का मतलब आप सबको समझ सकते हैं, है ना, बहुत राइट। ये फंडामेंटल वो है। अगर लग्न चेंज नहीं हो रहा है जी, तो वही सेम कार्मिक प्लैनेट रहेगा जो पहले पहले जन्म हुआ है, उस जातक के जो प्लैनेटरी कर्मास है वही सेम ट्विन का भी वही होगा अगर लग्न चेंज नहीं हुआ है तो। गॉट इट सर। अगर लग्न चेंज हो गया तो फिर सारी चीजें चेंज होगी। हाँ, फिर तो सब कुछ ही बदल गया। राइट सर एग्जैक्टली सर। एक और I should not be asking this question. मैं भी थोड़ी टाइम से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो बिकॉज आई हैव अ ट्विन ब्रदर इसलिए मेरे ट्विन्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा ही रुचि रहती है। ट्विन्स का मेरे जिससे एस्ट्रोलॉजी जिससे मैंने सीखी है तो उन्होंने कहा है कि अगर ऑड नंबर से ट्विन ऑड नंबर से लग्नेश है, जैसे एरीज हो गया तो वो ऑड नंबर हो गया, और टॉरस हो गया तो इवन हो गया, राइट। तो एरीज जिसका भी लगन हो जाता है राइट, तो उनके जो सेकंड चाइल्ड होता है, दैट इज द सेकंड ट्विन, ओके, तो उनका थर्ड राशि से देखा जाता है, राइट। देखिए ये एक डिक्टम फॉलो किया जा रहा है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि इस डिक्टम का कोई शास्त्रोक्त रेफरेंस नहीं। ओके गॉट इट सर। ये किसी मॉडर्न ऑथर ने, और हो सकता है उनको बहुत नॉलेज भी हो जिन्होंने ये डिक्टम निकाला है, पर आज की डेट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं आपको इसका कोई रेफरेंस दे दूं फ्रॉम क्लासिकल टेक्स्ट, तो इसका रेफरेंस किसी क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं है इस डिक्टम। गॉट इट सर। सो जैसे सर ने बताया कि मतलब डिविजनल चार्ट्स देखना बेटर रहेगा। यस ओके। तभी तो पराशर जी ने डिविजनल चार्ट्स बनाए मेरे भाई। राइट सर, करेक्ट सर, एग्जैक्टली सर, गॉट इट सर। All right, sir, thank you, sir. Recording के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा सर। Recording सर, देखिए मैंने बताया था कि हमारे जो फ्री के वेबिनार होते हैं, जो कोई भी फ्री की क्लास होती है, तो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे YouTube चैनल पे मिलती है। ओके सर। मेरे YouTube चैनल का नाम मेरे नाम से है, डॉक्टर नागेश। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर 600 प्लस वीडियोज आपको ओपनली मिल जाएंगे। वैसे तो 2000 से ऊपर वीडियोज है उसके ऊपर, लेकिन बाकी पेड भी है, तो 600 प्लस वीडियोज आपको ओपनली मिल जाएंगे, देखिए। और मैरिज के लिए मैंने इतने वीडियोस डाले करता हूं, 50 प्लस वीडियोस मेरे मैरिज के ऊपर है, जिसे मैं अगर वो मैरिज के वीडियोस भी देख ली ना, वो मैरिज प्रेडिक्ट कर सकता है। सोचिए। ओके सर, ओके ओके ओके, ऑलराइट सर। सर थैंक यू सो मच सर, बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। नयन जी, नयन जी चंचल जी, मैं चंचल जी का हो चुका था पहले शायद। चंचल जी कुछ पूछना है क्या आपने? हाँ जी हाँ सर, हरिओम सर, आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर, ये अभी ट्विंस का इन्होंने लिया ना, मेरे ग्रैंडसन्स हैं ट्विंस, लेकिन उनमें 2 मिनट का अंतर है। फिर मैंने उनकी दोनों की कुंडली D24 से भी चेक की, मतलब मातृकारक का संबंध 5th से अगर हो तो फिर चल जाता है टाइम सही है या नहीं, पर बड़े वाले का भी वही आ रहा है और छोटे वाले का भी। 2 मिनट का होता नहीं है, एक बार और चेक करा लेना, क्योंकि डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, मतलब मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन जैसे डी अगर 2 मिनट का भी है ना तो D60 बदल जाए। D60 तो बदलेगा, वो तो है ही नहीं है, बदलेगा, लेकिन फिर भी 2 मिनट में भी बदल जाएगी सर जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, D60 चार्ट पढ़ना कभी, ट्विंस के लिए D60 चार्ट बहुत जरूरी होता पढ़ना। सर उनका कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो मैं उनको रीड कर रही हूँ दोनों की फिगर एंड सब कुछ अलग होगा, सब कुछ अलग होगा।
लेकिन आपको ऐसा लगता है 2 मिनट का फर्क है, लेकिन ज्यादा का फर्क है जी सर। सर मैं उससे भी निकालने की कोशिश कर रही थी उससे केपी से, मैं बता रहा हूँ, समझ नहीं पाई केपी से, केपी से आप केपी से कुछ नहीं कर पाओगे मैडम। केपी से अगर ज्योतिष आता, नाड़ी से ज्योतिष आता नहीं हुआ तो सारे ज्योतिषी होते आज, है ना, क्योंकि मेरे मेरी कुंडली में 2711 नहीं बना, मेरी शादी को 25 साल होने वाले हैं। नहीं सर वो एक बिल्कुल अलग है, वो नहीं है, इसमें भी खैर अलग है, मैं ये नहीं कहूंगी तो, लेकिन ये है कि मैंने 2024 से भी देखा, उससे भी देखा तो फिर हुआ नहीं। वही कह रहा हूँ मैडम, मैं आपको बता दूं कि मेरे ये भैया ने पूछा तो इसलिए मैंने हाथ रेंज कर लिया था। मैं वही बता रहा हूँ कि आप चेक कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि ट्विंस के बीच में 10 से 12 मिनट का गैप होता है नॉर्मली। ओके 2 मिनट का गैप मैंने नहीं सुना किसी भी डॉक्टर से, आप किसी डॉक्टर से बात करो, किसी डॉक्टर से बोलो कि ये बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने मिनट का होता है। मैडम 2 मिनट तो कुछ भी नहीं होता, 2 मिनट तो समझिए एक बच्चा पैदा हुआ नहीं सकता है, एक को निकाल के उसमें तब भी आपके 5 मिनट लग जाएंगे, लग जाएंगे ना, आप खुद ही सोचिए ना, डिलीवरी का मतलब है कॉर्ड कटिंग होना, उसकी अपनी आइडेंटिटी तब क्रिएट होती है जब कॉर्ड कट होता है ना, एक का कॉर्ड कट किया, उनको संभाला बच्चे को, फिर दूसरा पेन हुआ, या जैसे डिलीवरी होती है फिर कॉर्ड कटिंग, मतलब मिनिमम 5-7 मिनट तो जाते जाते हैं इस प्रोसेस जाते जाते। तो डॉक्टर बोलते हैं कि 10 से 12 मिनट का मिनिमम गैप होता है, ये डॉक्टर कह रहे हैं, मुझे नहीं पता ठीक है, और आप कह रहे हैं 2 मिनट का गैप है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ ये जो भैया बता रहे थे पृथ्वी भाई, ये तो ये है कि पहले उन्होंने कहा तीसरे से देखो, मतलब तीसरे से छोटा भाई देखते हैं, इसलिए उन्होंने तीसरे हाँ, से कर दिया। थोड़ा सा छोटी बना लो, छोटे भाई ऐसा होता नहीं, जब बच्चे का हमें डेट टाइम एग्जैक्ट पता है तो हम क्यों फिर उसकी पहले बच्चे की कुंडली से थर्ड हाउस से उसका छोटे भाई बहन उसकी कुंडली बनाई, हाँ छोटा बहन भाई क्या करने जोड़ते भाई। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। वैसे मेष लगने के हैं वो ऑड नंबर में ही है दोनों, मेष लग। एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपने ज्योतिष पढ़ा है क्योंकि आपकी नॉलेज इतनी अच्छी लग रही है ठीक है, अगर आप इन दोनों कुंडली को मैच करना चाहते हो तो आपको पता है धीरे धीरे से चार्ट से पता लग जाता है कि ये वाकई में इसका भाई है या नहीं। भाई का मतलब है कि वाकई में इसके छोटे भाई की कुंडली से मैच करते हैं, पता है आपको कैसे लगाते हैं? नहीं सर ये नहीं मालूम है मुझे। मैडम D3 पढ़ ले, ओके ड्रेस पढ़ाएंगे आपको, इसने एक मिनट के अंदर, कहते हैं ना कि एक मिनट के दो बच्चे, मेरे सामने कुंडली रख दो 10 ठीक है, और उनमें से एक बच्चा इसका भाई है तो मुझे मुश्किल से 2 मिनट नहीं लगेंगे मैं बता दूंगा इन 10 कुंडलियों में से इसका भाई कौन सा है। ठीक है सर, जब आप कराएंगे तो मैं जरूर आपके पास रखूंगी इनका टाइम ठीक है। डीएनए की रिपोर्ट, डीएनए की रिपोर्ट आएगी, परेशान हो कि ये सब्जेक्ट वो 12th कर रहे हैं, दोनों 12th कर रहे हैं, अब उनको आगे एडमिशन लेना है। मैं वही कह रहा हूं ना, डीएनए का रिजल्ट आएगा मैडम 15 दिन बाद, महीने बाद, मैं आपको 10 मिनट बता दूंगा कि वाकई में इन कुंडली में से कौन इसके माता पिता है और कौन इसका भाई है ठीक है। जिस तरह डीएनए मैचिंग होती है ना साइंस के हिसाब से, इस तरह कुंडली की मैचिंग होती है कि कौन किसका फादर है, कौन किसकी मदर है, कौन किसका बेटा है। अच्छा सर, हाँ जी ऐसे से ना कुंडली होनी है। एक्चुअली सर क्या है, मैं प्रोफेशन में नहीं आ पाती हूँ, उसका रीजन है जैसे आप दिखा रहे थे ना अभी कुंडली, ये हाँ। मेरी एक आम रीजन ना डॉक्टर की गलती से मेरा एक का चला गया है, दूसरी भी वीक है। अच्छा। तो बस मैं अपना लाइफ टाइम ना मेरी यही हॉबी है, मैं क्या करूं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं मैडम, एंजॉय करो, भगवान ने ब्लेसिंग दे रखी है, जिसने भी ज्योतिष सीख लिया पढ़ लिया ना तो समझ लो आप ईश्वर के बहुत करीब हो। क्योंकि देखिए ये ईश्वरीय ज्ञान है, समझिए ज्योतिष है क्या, ज्योतिष है ईश्वरीय ज्ञान। हिस्ट्री में मेरा आ गया, मेरे फोर फादर्स जो थे ना वो कश्मीर साइड के, जम्मू कश्मीर के राज पुरोहित रहे, बस मेरे फैमिली में ही पढ़ने का मन आया, वो भी बुद्ध की दशा में पढ़ने को मिला ओल्ड एज में, जबकि मैं अब इतना याद भी नहीं कर पाती, पर मैं पगला रही हूँ बिल्कुल ज्योतिष के लिए। कोई बात नहीं मैडम, लगे रहिए, ये आगे भी कैरियर रोल, ये एक जर्नी की साइंस नहीं होती, पता नहीं कब तक होती। थैंक यू सर, आप बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छा है। थैंक यू सर। सर ज्योतिष कभी भी शुरू होगा ना सक्षम, नोट कर लो सभी आप, बुध बृहस्पति या 8th हाउस में बैठे प्लेनेट है जी, या 8th लॉर्ड
की दशा में आपका ज्योतिष स्टार्ट होता है। हाँ जी हाँ, अब पांच सभी दूर कर लेना, जिसने ज्योतिष स्टार्ट किया होगा ना वो तो बृहस्पति या एट हाउस या एट हाउस लॉर्ड या एट हाउस बेटर प्लान है। जब से बुध की दशा मिली है ना तब से इसको मिला है। भृगुनंदी नाड़ी में हम इसको देखते हैं बृहस्पति और केतु के कनेक्शन से चालू है। कहीं से भी देख ले यार, रिजल्ट वही आएगा। अच्छा हाँ जी, ऐसा मर्जी देख। सर मुझे इसमें ट्विंस को सीखने का बहुत ज्यादा शौक है क्योंकि मेरे घर में अभी सीखो, अभी ट्विंस तक आपकी लर्निंग ना बहुत बात की है, उससे पहले वर्गा चार्ट पढ़ो आपको। D3 नहीं आता, D2 नहीं आता, D9 नहीं आता, D10 नहीं आता, D12 नहीं आता, D16 नहीं आता, ठीक है, D20 नहीं आता, D24 नहीं आता, D30 नहीं आता, इसका मतलब ही नहीं बता आप सब। मैंने ज्यादा किसी से सीखा, एक्चुअल में सीख रही हूँ ये यूट्यूब के पढ़ के, आप लोगों के वेबिनार देख के, क्योंकि एज हो गई है ना तो थोड़ा सा ज्यादा एज नहीं है, मैं नहीं कहूंगी, पर मैं बिल्कुल बहुत कीन हूँ इसके लिए। चलो बढ़िया, आगे वर्गा चार्ट लेकर आएंगे अभी। ठीक है सर, मेरे को वर्गा चार्ट का बहुत शौक है। ठीक है, सिखा देगा मैडम, क्योंकि हमारा हमारा कुछ रोल नहीं है उसमें, हमारे गुरु के द्वारा जो शिक्षा दी गई है, भगवान की कृपा से जो अपने एफर्ट्स किए हैं, रिसर्च की है, डेफिनेटली आपको देंगे। और इसी के चलते अभी हमारा जो दर्शक रहा है, कोई चार्ज नहीं लेती मैं, कभी किसी से नहीं लेती मैं, ये सोचती हूँ अच्छी बात है। भला किया है ना तो वो मुझे बद्दुआ दुआ नहीं देगा तो बद्दुआ नहीं, नहीं अच्छी बात है। इसलिए आप जो नक्षत्र का कोर्स है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो हम सिखा रहे हैं नक्षत्र जो प्रेडिक्टिव टेक्निक्स है ये कोई नहीं सिखाएगा। इसके बाद हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए मैरिज कंपैटिबिलिटी, और जो कंपैटिबिलिटी हम सिखाएंगे ना आपको, मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसी कंपैटिबिलिटी आपने मतलब सीखना दूंगा सोच नहीं सकता कोई, जो कंपैटिबिलिटी हम आपको सिखाएंगे। लेकिन उसमें अगर आप किसी के लिए मैच मेकिंग कर रहे हो तो 3 साल का आपको समय लेके चलना पड़ेगा। ओके सर, आपके घर में अगर किसी की शादी हो रही है तो 2-3 साल पहले से ढूंढना चालू करिए, अगर वो कंपैटिबिलिटी जो प्रॉपर वैदिक कंपैटिबिलिटी अगर आपको लगानी है। अच्छा नहीं, मैं सर ये जो है ना कुंडली मिलान का एक का ही मैंने किया था, मेरे को डर लगता है थोड़ा सा कि जरा भी गड़बड़ हो गया तो वो मुझे गाली देगा। नहीं, एक मिलाई तो है, उसके बाद उन्होंने काफी मतलब वो आई पाई है मेरे रिलेशन, एक्चुअली हम पंडित ही हैं, दिल्ली में रहने वाले हैं, मैं खुद बॉम्बे। कैसे आप थोड़ा गाइड आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं आपने कैसे मिलाया आपने? सर मैंने तो ये जो मिला मैं थोड़ा केपी से भी मिलाया कि उसका देखा नेचर कैसी है फर्स्ट के सब प्लॉट से। अच्छा, एंड मंगल देख लिया होगा, नेचर देख लिया है ना, 2168 तो नहीं है, 612 ज्यादा तो नहीं है। सर थोड़ा सा D9 में देखा कि 4th हाउस में सुख का क्या हालचाल है, इसमें किसमें देखा, छठे आठवें का तो नहीं बन रहा, 12वें का लगने, थोड़ा सा ये चेक कर लेती हूं। देखा हमने 4th हाउस सर, आप सिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे प्रॉपर में। देखिए एक 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 कांसेप्ट थोड़ा सा आप समझिए कि आपने D5 देखा, सारी चीजें देखी, चतुर्थ भाव को सुख के लिए भी देख लिया, तो ये सब मैनिफेस्ट कैसे होगा अगर दोनों के बीच में आकर्षण ही नहीं है। हाँ जी, उसके लिए चंद्रमा भी देखना पड़ेगा, 11th हाउस भी थोड़ा देखना पड़ा। चंद्रमा तो मन हो गया, मन हो गया, समझिए। देखिए देखिए एक मेल और फीमेल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो क्या होता है, मतलब मन की बात तो बाद में आएगी। अगर मुझे आज की डेट में सामने मतलब अगर मैं कहीं पब्लिकली बैठा हुआ हूँ और सामने से एक फीमेल जाती है तो क्या मेरे मन को उससे कोई रिलेशन है? मन तो तब आएगा जब बातें चालू होंगी, आगे तभी समझ में आएगा ना, विचार मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। लेकिन फर्स्ट क्या है, वो फर्स्ट पार्क किसे आप बोले, मैं उससे बात करने के लिए क्यों जाऊंगा, क्या मैं चंद्रमा के कारण जाऊंगा या शुक्र के कारण जाऊंगा? सर मैंने तो शुक्र मंगल थोड़ा सा यही चेक करती हूँ, मैंने हालांकि उसके बाद नहीं बताया उसे। शुक्र मंगल इस मांगलिक योग का वो एक अलग चीज है। हाँ। लेकिन सर मंगल योग के तो कार्ड भी बहुत है ना, और सबका एक वो बोलते ना खिचड़ी पक गई मंगल योग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वो शुक्र मंगल जो है दैट इज सेक्सुअल डिजायर इंसान की,
लेकिन मुझे उस फीमेल की तरफ कौन आकर्षित करे? सर आप बताइए, मैं या तो बात नहीं समझ पा रही हूँ। एक मेल और फीमेल के बीच में जो आकर्षण है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रिलेशनशिप, ठीक है ना। अगर आप अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से अगर आप अट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहे हो, तो चंद्रमा के गुण उसमें करेंगे क्या? चंद्रमा के गुण तब काम होंगे जब आप साथ में टेबल पे एक बैठे हुए हो, आप बात कर रहे हो, आप अपनी लाइफ लीड कर रहे हो, तब मन की मैचिंग होगी ना। हाँ जी। लेकिन अगर शुक्र ही नहीं है प्रबल दोनों के बीच, दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित ही नहीं है, तो चंद्रमा तक पहुंचने की बात ही नहीं आएगी। इसलिए मैरिज में सबसे पहले ये देखा जाता है कि रति प्रभाव क्या है। कामदेव की दो पत्नियां बताई गई हैं शास्त्रों में, रति और प्रीति। रति इस शुक्र, प्रीति इस चंद्रमा। चंद्रमा इन दोनों को साथ में लेके चला जाए तो मैच मेकिंग कभी भी वर्गा चार्ट्स, डी वन और इन सब से नहीं करी जाती। आपके आपके फोर्थ हाउस में जो सुख भाव आप मैच कर रहे हो, वो सुख वाइफ से मिलेगा या आपको अपनी मदर से मिलेगा या आपको अपने काम से मिलेगा, वो तो कहीं से भी मिल सकता है ना। हो सकता है वाइफ से सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी इतनी है कि आपका जिंदगी आपकी वैसे ही सुख में जा रही है। पैसा बहुत है लेकिन रिलेशनशिप नहीं है, तो भी चतुर्थ भाव शुभ होगा आप, आपके और उसको। आपको मैरिज से सुख नहीं मिल रहा है, किसी और तरीके से सुख मिल रहा है। का ही सुख देखती हूं बस कि है या नहीं है, पाप कटोरी में ना हो। एक चीज को समझिए, गलत देख रहे हो, गलत देख रहे हो। अगर अगर मुझे वाइफ से सुख नहीं मिल रहा है, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो मैं तो तब भी सुखी हूं ना। मुझे यहां से नहीं मिल रहा है वो अफेक्शन, मेरे को बाहर से मिल रहा है, तो भी मेरा चतुर्थ भाव पॉजिटिव होगा। दो उस केस में भी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका है, तो आप तो सुखी हो ना, आप तो सुख को फील कर रहे हो, भले ही वो गलत है, लेकिन आपका चतुर्थ भाव वहां पे तब भी पॉजिटिव होगा। तो आप ये कैसे मैरिज का, हमको मैरिज में हमें चतुर्थ भाव को इसलिए स्टडी नहीं करना होता कि हम सुख देखें। मैरिज की मैच मेकिंग में हम ये देख रहे हैं विवाह का सुख कैसा है। सुख बहुत प्रकार से आ सकता है, लेकिन विवाह का सुख कैसा है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मैचिंग का। फोर्थ हाउस इज जनरल सुख फॉर एवरीथिंग। मैं कल नई गाड़ी खरीद के लेके आऊंगा, उसमें मैं बैठूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, फ्रेश लेदर, उसकी एक अलग स्मेल होगी, दैट इज फोर्थ हाउस। अब उसमें आप विवाह को कैसे जोड़ोगे? जी सर, सप्तम से अगर फोर्थ हाउस देखें तो टेंथ हाउस बच्चे जो भी है। सप्तम, सप्तम इज एनी पार्टनर जिसके साथ partner, आपके फिजिकल रिलेशन, स्पाइडर भी है, लाइफ पार्टनर भी है, सब है सप्तम। फिजिकल रिलेशन या बिजनेस भी फिजिकल, अगर हम ऑपोजिट से, अगर मैं लिव इन में रह रहा हूँ तो मेरा, मेरी जो पार्टनर है दैट इज सेवंथ हाउस। वो मैरिज में कब होगी? जब वहां पे नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट। हाँ, नाइन्थ हाउस इज संस्कार। हाँ, ट्वेल्थ हाउस कब होता है? विवाह, विवाह कभी भी आप देखेंगे हल्दी मेहंदी इन सब की रस्मों को विवाह नहीं बोला जाता। विवाह की जो रस्म है दैट इज पाणी ग्रहण संस्कार, जो कन्यादान वाला संस्कार होता है वो विवाह को दर्शाता है, दैट इज नाइन्थ हाउस। अब उसमें जो पार्टनर है ना मेरी, वो सेवेंथ हाउस है। वाइफ सेवेंथ हाउस है लेकिन मैरिज नाइन्थ हाउस है, और वो पाणी ग्रहण संस्कार जिस समय फिनिश हो जाता है, जैसे ही कन्यादान हो गया, तो ट्वेल्थ हाउस, क्योंकि अब आप बंधन में बंध गए। सो सेवेंथ से चतुर्थ अगेन हो सकता है कि मैं लिव इन में रह रहा हूं, मेरी पार्टनर से मुझे सुख मिल रहा है, वो मैरिज नहीं दिखाएगा। वो मैरिज, ये देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी बहुत, यही गलती सारे एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं आज के लिए, कि आप सप्तम से चतुर्थ देख रहे हो या आप कुंडली के चतुर्थ भाव को ऐसे ही देख रहे हो और आप बोल रहे हो। ये गैस करके आपको बता रही हूँ कि वो मतलब वैसे तो सामने वाले की माँ हो गई वो। नहीं नहीं, देखिए गैस करने से क्या है ना, मैच मेकिंग में कभी गैस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैच मेकिंग एक ऐसी चीज है जहां पे आप एक पूरे कुल का उद्धार भी कर सकते हो और एक पूरे कुल को खत्म भी कर सकते हो। सर इसीलिए नहीं देखिए, कोई नहीं, सीख लेना मैडम, आपको सिखा देंगे, बहुत इजी है।
और ये भी बता देंगे कि कौन सा लाइफ पार्टनर आपके जिंदगी में आके आपको तबाह करेगा या वो खुशियां लाएगा। बहुत इजी है देखना। हमारे टाइम में तो कुंडली मिलान होता नहीं था और हमारी शादी में आपने ना वो जयपुरी के जब भी जयपुरी के जमाने के ना सिक्का उछाल के शादी हुआ। सर हमारी शादी को 50 इयर्स हो गए हैं। बड़ी अच्छी लाइफ है। बहुत बढ़िया मैडम, गॉड ब्लेस यू, भगवान करे अगले जन्म में आप ऐसे लाइफ इयर्स कंप्लीट किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड, चल सकते हैं। अच्छा लगता है नॉलेजेबल लोगों से बात करके ना, अच्छा लगता है भाई। ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। विक्रम जी, विक्रम जी सर, जी सर, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने नक्षत्र बताए हैं, नक्षत्रों के द्वारा, नक्षत्रों में जो कर्मा काम कर रहे हैं उनके द्वारा हम ज्योतिष सीख सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट करिएगा सर, मेरा थोड़ा ऑडियो ड्रॉप हो गया। सर जो आप नक्षत्रों का ज्ञान दे रहे हैं उसमें जो कर्मा काम कर रहे हैं उसके बेस पे हम अपनी कुंडली को रीड कर सकते हैं। बेसिक ज्योतिष आपको पढ़ना होगा सर। ओके सर, एक आप मेरा चार्ट निकाल के बता सकते हैं इसमें? नहीं सर, अभी हम पर्सनली किसी के चार्ट्स नहीं लेंगे यहाँ पे, अदरवाइज सब अपना चार्ट देंगे। नो, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि डॉक्टर नागेश नरवर की साइट पर ये रात को ही अपलोड हो जाएगी यूट्यूब चैनल पर, आप समझिएगा। क्योंकि अगर हमें देख नहीं होता तो हमें 3 घंटे क्यों आपको खराब करने थे, है ना? हमें 2 पैसे है ना, तो हमें आप अपने अपना नक्षत्र निकालिए और अपने आप को जज कीजिए जो हमें पैरामीटर दिए हैं। और बेसिक को, बेसिक कोर्स आपको साथ में मिल रहा है ना? और बेसिक कोर्स हम आपको फ्री दे रहे हैं इसके साथ। ओके ओके ओके, ओके, थैंक यू बहुत। कल आइएगा, खोजता कल सेक्शन का मूड अच्छा है आपके बारे में बता दीजिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ओके हरीश जी, थैंक यू सर। सर मुझे ये पूछना था, जो आपने ये बताया था ना, इसमें आगे चल के उसका पद का भी यूज होगा ना? ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे कि अभी हम ये सारी चीजें जो कर रहे थे इसमें जैसे पद आएगा, चरण जो है, चरण आते के साथ ही ये कर्म बदल जाए? नहीं, चरण का जो एप्लीकेशन है दैट इज इन दशा। अच्छा, इसमें वैसे नहीं है ना सर? और दूसरा सर, ये जो जैसे मान लो अक्षलेशा अगर सन में आ रहा है और अक्षलेशा अगर मून में आ रहा है तो उनमें कोई डिफरेंस होगा? नहीं नहीं, सन का कर्मा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा अगर दो पैरामीटर में अक्षलेशा आ गया आपका। हाँ ना, जैसे लगन मान लेते, लगन आपका, लगन का नक्षत्र अक्षलेशा है, सूर्य का नक्षत्र भी अक्षलेशा है, चंद्र का नक्षत्र भी अक्षलेशा, सूर्य का कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये था कि यही चारों चीजें ही क्यों ली गई इसके कर्म के अंदर, ये चारों नक्षत्र ही क्यों आए? देखिए, लगन आपका जो होता है, लगन को इसलिए लिया गया बिकॉज दैट इज, लगन आपकी पहचान है ना। लगन इस पूरे जोडियक साइन में आपकी पहचान आपके नाम से नहीं है, आपके लगन से, ये आपका कुंभ लगन है, आपका वृश्चिक लगन है। तो लगन आपकी पहचान है, लग्नेश आपका कारण है इस सृष्टि पे आने का, आप इस सृष्टि में आए हैं उसका जो कारण है दैट इज लग्नेश। लगन आपका शरीर भी है। सूर्य को क्यों लिया गया, बिकॉज सूर्य इज योर सोल, आपकी आत्मा। और चंद्रमा आपका माइंड है। तो शरीर, आत्मा, माइंड और इस सृष्टि पे आने का कारण लग्नेश, ये चार चीजें आपके कर्मास को दिखाएंगे कि आपके कर्मा क्या है। बाकी प्लैनेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट, बाकी प्लैनेट्स जो है वो रीजन नहीं है, वो डिलीवरी है। ठीक है सर। और सर इसमें ये जो ये चार ही नक्षत्र हम क्यों ले रहे हैं सर? चार नक्षत्र के साथ भी सूर्य का कोई ऐसा एंटिक वो है क्या सर? ये इसका जो कारण है ना सर, ये तो किसी को नहीं पता, ये ऋषियों ने लिखा हुआ है, हम उसे एज इट इज फॉलो कर रहे हैं कि अश्लेषा नक्षत्र को सूर्य के कर्मा से क्यों जोड़ा गया, उसका कारण किसी को नहीं पता। ठीक है सर। राजेश जी, हरीश जी पूछिए ना, ज्योतिष में ऋषि के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि
वो ऋषि हैं कुछ लेकर गए हैं यार, कुछ तो बात होगी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे मैं बेटे के किसी देख रहा था, जैसे सूर्य उसका है कृतिका नक्षत्र में, चंद्रमा उसका नादा में है, लगन उसका पुष्य नक्षत्र है, लग्नेश मीन कैंसर की अपना लगन है तो अनुराधा में, इधर मतलब अनुराधा दो हो गए उसके, अनुराधा दो हो गए ना, मून का भी हो गया और लग्नेश का भी हो गया, कैंसर का मून है लॉर्ड, तो उसके दो अनुराधा आ गए। कैंसर, कैंसर राशि में अनुराधा नक्षत्र कैसे आ जाए सर, उसका अपना चार नंबर लगन है ना। हाँ तो कैंसर राशि में अनुराधा नक्षत्र कैसे आएगा सर? सर उसी में भी अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक में आएगा, ये अपना उसमें लग्नेश है ना सर, जो अपना लग्नेश उसका कौन होया फिर चार नंबर का सर? मून हो गया, ते मून का मैंने उसको लग्नेश समय का वो अनुराधा नक्षत्र में, तो मून आपका वृश्चिक राशि में होगा तो अनुराधा में आएगा, लगन अनुराधा में नहीं आएगा, राशि वृश्चिक है। सही बात है, राशि वृश्चिक है, राशि वृश्चिक होगी, लगन लगन कैंसर है, लगन कैंसर है, एक अनुराधा नक्षत्र हुआ। अच्छा सर, एक मतलब जैसे मून अनुराधा में हो गया, तो अगर चार नंबर लगन है तो इसमें लग्नेश उसका मून ही हो गया ना? हाँ लग्नेश मून हो गया, तो फिर मून की भी अनुराधा नक्षत्र, मून अनुराधा में है, उसके बाद लग्नेश भी उसका जो आ गया वो भी इसी में है। नहीं सर, लग्नेश लग्नेश मून है और मून अनुराधा में है, तो वो एक ही हुआ ना प्लैनेट तो। अच्छा जी, फिर लग्नेश जैसा सर कह रहे कि चार नंबर राशि से शुरू हो गया, तो लग्नेश एक मींस कि मून है, मून अनुराधा में, तो दोनों में हो गया ना भाई ये वाला? नहीं सर, देखिए लगन अनुराधा में नहीं है, लग्नेश अनुराधा में। हाँ जी, लग्नेश अनुराधा में। हाँ जी सर। हाँ तो एक ही हुआ ना पैरामीटर। ठीक है, आप कहते हैं कि मून और लग्नेश दोनों सेम हो गए इसके, तो यहाँ पे मून लग्नेश एक ही है तो उसको एक ही माना जाए। अच्छा, दो नहीं मानने लग रहा, ठीक है सर, ठीक है जी। तो मतलब एक में हम अच्छा लेके चलते हैं, जहाँ मतलब कि कैसे लेते हैं? देखिए यहाँ पे अच्छे बुरे का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये है कि चंद्रमा सूर्य का कर्मा है। हाँ, सूर्य का एक से भी है तो है ही है बस। हाँ मतलब वीक है वो, अभी हम और इसको आगे जब लेयर्स आपको बताएंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू। बलबीर जी, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी सर, मैं पूछ रही थी कि अश्विनी नक्षत्र में लगन भी अश्विनी नक्षत्र में है और टेंथ लॉर्ड शनि भी अश्विनी नक्षत्र में है। शनि का कोई रोल नहीं है मैम, सिर्फ लगन लग्नेश सूर्य और चंद्रमा। अच्छा जी, तो सब सबका अलग अलग है, फिर लगन है अश्विनी में और चंद्र है अश्लेषा में, तो सूर्य का कर्मा हो गया ना आपका मैम, अश्लेषा भी सूर्य का कर्मा दिखा रहा है और अश्विनी भी, दो आपके पैरामीटर। अश्विनी सर किस तरह से दिखाएगा? अश्विनी का तो सर लॉर्ड हो गया केतु ना सर। आपने लेट ज्वाइन कराएगा जी सर, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, ये पहले ही मैंने क्लियर किया था कि लॉर्ड का रोल अलग है और कर्मा का रोल अलग है, रिकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको क्लियर हो पाए, अभी वापस से मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसलिए आप सभी को बोला है, यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, और ये आज का वीडियो भी डेफिनेटली मैं आज रात को ही चाहे 2 बजे मैं चढ़ा के सुनूंगा। ठीक है जी सर। सर नागेश सर नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर आपसे तो मैंने कोर्स किया हुआ है सर। अच्छा, कौन सा सर? वो पाइथागोरियन सर जो करवाया था आपने। बहुत बढ़िया, सर भूल गए आप तो हमें याद ही नहीं, जी, नहीं याद आ गया, अब याद आ गया, नाम से याद आ गया। सर थैंक यू सर, गलती नहीं है, मेरे को ना ज्योतिष याद रहता है, बाकी इंसान कभी कभी दिमाग। सर उस समय से मैं जो ज्योतिष में घुसी हुई हूँ ना, पहले न्यूरोलॉजी में गई, अब मैं सर वैदिक मैंने कर लिया है, बहुत बढ़िया नक्षत्र सर मैंने सुना तो मैंने कहा चलो ये भी करूं। नहीं नहीं, बहुत यूनिक कांसेप्ट है ये, किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा जाएगा, जो सिस्टम आप पढ़ा रहे हैं, इसलिए वेबिनार देख लेना, आपको समझ आएगा, और कल भी हम वेबिनार करेंगे, कल भी ऑल इनवाइटेड, आप सभी इनवाइटेड है कल भी।
सेम आईडी सेम पासवर्ड और सेम टाइम, ठीक है जी सर। थैंक यू सर। नारायण जी लास्ट क्वेश्चन। नमस्कार सर, सुन पा रहे हो ना सर? हाँ जी बोलिए। हेलो बोलिए नारायण जी। नमस्कार ना, नमस्कार नागेश सर। नमस्कार नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन यही था, ये जो रूल है, ये रूल का रूल ज्योतिष का और भी ब्रांचेज है, उसको ओवरऑल रूल करते क्या? नहीं नहीं, ये ज्योतिष में हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज किसी को ओवर रूल नहीं करेगी, हर चीज आपको साथ में लेकर चलनी है। अच्छा नहीं नहीं, मैं ये बोलने चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक चीज बताया आपने इसमें, जो गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स, तो गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में मान लीजिए अदर्स ब्रांच दिखा रहा ज्योतिष का, जो वो गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, लेकिन अगर किसी का जैसे फोर नक्षत्रों का ये आता है, इसमें मैंने सूर्य का कर्म में आते हैं, तो वो तो दिखा रहा जो जा सकते हैं, दस से बारह पॉइंट रूल होता है क्या? दस से बारह पॉइंट आपको हर प्लैनेट के कर्मा के मिलते हैं, वो दस के बार दस के दस पॉइंट अप्लाई हो ऐसा नहीं है। अच्छा। जैसा आपने एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए हमें कॉम्बिनेशन से दशा से ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, सूर्य का कर्मा है, तो सूर्य का कर्मा तो एक रिक्यूड हो, अब सूर्य का कर्मा हो सकता है उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे लेकिन फादर से प्रॉब्लम दे दे, वो भी सूर्य का कर्म एग्जीक्यूट हो रहा है ना वहां पे, वो भी सूर्य का कर्म एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन मेरा मेरा लड़का का ही चार्ट है जो जिसमें आपका लग्नेश है अनुराधा और स्थान है अश्लेष, मतलब दो हो गया, उसमें अभी छोटा है 10-11 साल का है, लेकिन उसमें एक भी पॉइंट मैच नहीं कर रहा, जो भी है बड़ा हो जाने दीजिए, हो सकता है उसका सामने में और भी तो बहुत सारे टाइम पड़ा है लाइफ में। नहीं नहीं, दूसरा अभी तो बाकी कर्माज आपने देखे कहा है। अच्छा अच्छा, अभी तो 7-6 प्लैनेट और है ना, उनके कर्माज भी तो हो सकते हैं, वो प्रोमिनेंट हो। अच्छा, उसका कर्मा भी इसका साथ मैच होगा क्या? देखिए सूर्य का कर्मा तो अभी हो है आपके बेटे के हॉरोस्कोप ना, नाउ अगर किसी दूसरे में से एक भी कर्मा स्ट्रांग रहेगा ज्यादा तो वो प्लैनेट हम उसको अच्छा, मान लीजिए दूसरा प्लैनेट का कर्मा अगर स्ट्रांग रहेगा, ये वो एग्जीक्यूट पहले होगा, पहले नहीं वो प्राइमरी रहेगा, यहाँ पहले बात की बात वो प्राइमरी रहे पास लाइफ से, अगर मान लीजिए उनका जुपिटर का कर्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यस यस यस, जुपिटर के कर्मा के से रिलेटेड सारा उनका थीम लाइफ का बना रहे। अच्छा, फिर जो सूर्य का कर्मा भी होगा ना एग्जीक्यूट अगर, तो वो जुपिटर के अंडर होगा, तो ये अलग अलग लेयर है इसकी, ये समझेंगे अभी हम पूरा कोर्स में करेंगे इसको। ओके ओके ओके, गुड नाइट सर, थैंक यू। और दूसरा पे दशा पैटर्न क्या चल रहा है, इसको भी डिपेंड करता है ना कि बच्चों को दशा पैटर्न क्या मिल रहा है। अच्छा सर, इसमें ये है कि जिस प्लेनेट का कर्मा होगा ना स्ट्रॉन्ग सिस्टम में, दशा उसी के हिसाब से मिलेगी। हाँ, उसी के हिसाब से मिल जाती है, बिल्कुल ठीक बात है, मिल जाती है, बिल्कुल मिलती है। चलिए जी, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम 9:15 से, हो सकता है 9:30, मतलब 9:15 और 9:30 के बीच में कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा भी एक मनी रेकी का बैच चल रहा है, ठीक है, तो उसको क्लैश ना करते हुए 9:15-9:30 के आसपास अपना जो कल की क्लास रही वो शुरू करेंगे, ठीक है। लास्ट में कल का रूल आप ध्यान रखिएगा, मैंने पहले वॉर्न आपको कर दिया है कि 1-2 नक्षत्र नहीं पढ़े जाते हैं, हम 9 का सेट कल करेंगे, और आप तभी बैठिएगा जब आपको ये आप सर्टेन हो कि आप पूरी क्लास अटेंड कर पाए, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, रिकॉर्डिंग में भी आपको ये सर्टेन करना होगा कि आप पूरी रिकॉर्डिंग सुनो, बीच में नहीं छोड़ा जाता है जब भी हम नक्षत्र पढ़े, ठीक है जी। अगर अब ये पता लगेगा हमारा सेशन कैसा रहा, आपने एंजॉय किया, कुछ लर्निंग मिली, कुछ सीखने को मिला, सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आप जय श्री कृष्णा कितनी जोर से बोलते हैं बस, और हम बुलवा बुलवा के ना आपके, मैं कार में भगवान ने जाना तो आपके कार में वैसे ही ठीक कर देंगे, ऐसा रोज वेबिनार में है क्या, मैं रोज जय श्री कृष्ण का नारा लगवाऊंगा
और करते करते 20-30 साल में आपके कर्मा वैसे खत्म हो जाएंगे, किसी रमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जोर से जयकारा लगा दो फिर। जय श्री कृष्ण, और क्या जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।